हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है कि आपका थ्योरी पार्ट हमारे इस अकाउंटेंसी का बहुत अच्छी तरीके से सब समझ रहे हैं और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए चले जा रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ को बारीकी से समझना, उनको दिमाग में ठीक से बैठाना, कॉन्सेप्ट को समझना, उसका एनालिसिस करना, सब आपके दिमाग में ठीक से हो रहा है। इसी प्रोसेस में आज हमारा अगला टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस। सर, ये टॉपिक क्या है जरा बताओ मेरे बच्चे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर देखा गया कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज ना मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में इनके बारे में आपको बताऊंगा और मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद वो बातें समझ में भी आ जाएंगी फटाफट फटाफट, ठीक है ना? तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखो, पहले तो मेरी नोट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए और कुछ मैंने लिखा है, इसको हम बाद में लिखेंगे जब मैं बोलूंगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। कैपिटल एंड रेवेन्यू, आपके ट्रांजेक्शन्स। देखो, इसके अंदर में पहले ये जो ट्रांजेक्शन्स है मेरे बच्चे, वो दो तरीके के होंगे। या तो ट्रांजेक्शन जो आप करोगे, या तो वो एक्सपेंडिचर होगा। मतलब जब हम रेवेन्यू कैपिटल में क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन या तो एक्सपेंडिचर होगा या फिर वो आपका रिसिट्स होगा। आप ये शुरू कीजिए, इसको अभी मत लिखना। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने हेडिंग डाला आपने रजिस्टर के अंदर में, और ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस चैप्टर को समझने के लिए, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। मेरे बच्चे जितने भी हमारे साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे, अगर आप थोड़े पीछे रह गए तो वीडियो पॉज करके लिख के फिर आगे बढ़ो। आप हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं ये दो तरीके के होंगे, या तो एक्सपेंडिचर कहे जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू साथ साथ लिखना अपने, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर आपके जो एक्सपेंडिचर होंगे उनको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? जितने भी खर्चे आप करोगे, या तो हम उसको रेवेन्यू कहेंगे या फिर कैपिटल कहेंगे। सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? देखो, जिनको नॉर्मली नॉर्मली हम उनको क्या नाम देते हैं अकाउंट्स में जी, कॉल्ड एक्सपेंसेज। हम इनको एक्सपेंसेज कहते हैं, ये हमारे एक्सपेंसेज हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं नॉर्मली नॉर्मली, है ना, वी से या वी नॉर्मली कॉल्ड, उनको हम कॉल करते हैं एज क्या जी, एसेट, जो हम एसेट्स के रूप में जानते हैं, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं बहुत सिंपल शब्दों में बारीकी सबको बता रहा हूँ। कुछ डिस्प्यूट्स दिमाग में उठेंगे, लाजमी है उठना, वो हम साथ साथ खत्म करते चलेंगे, ठीक है ना? देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, एक्सपेंसेज हम कहाँ दिखाते हैं? इनकम स्टेटमेंट में, है ना? इनकम स्टेटमेंट, जब मैं इनकम स्टेटमेंट कहूँ ना, तो इसका मतलब क्या होता है जी, हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर कंपनी का केस होगा तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस, यानी कि वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनता है। तो एनीवे, फिलहाल आप लिख दीजिए, अभी छोटे बच्चे हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट्स की बात करूं तो ये कहाँ दिखाते हैं हम लोग? पोजीशन स्टेटमेंट में। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, जहाँ पे आप अपने एसेट्स के, लायबिलिटी के, कैपिटल के पोजीशन को दिखाते हो, यानी कि हम इसको बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए एग्जाम में एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए। जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे या तो रेवेन्यू होंगे या फिर कैपिटल होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपली आपका एक्सपेंस, जिसको कह दो आप आपके शब्दों में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कह दो आप सिंपली एसेट, ठीक है ना? उसी तरीके से मेरे बच्चे जो रिसीट्स होते हैं ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। रिसीट्स भी यहाँ पे और नीचे लेकर आ जाता हूँ, है ना, आपके पास जगह नहीं होगा, ऐसे कर लो। रिसीट्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, या तो वो रेवेन्यू रिसीट्स कहे जाएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स, या फिर उनको आप कहेंगे कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है ना? रेवेन्यू रिसिट्स या फिर कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स जो होते हैं इनको हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज इनकम, मतलब इनकम कह दो या कह दो आप रेवेन्यू, है ना, जिसको इनकम या रेवेन्यू, मतलब जो आप कहते हो ना सेल्स, ये सब सेल्स, रेंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, दे ऑल आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिट्स। और ये कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं जी? तो ट्रांसफर टू आपका कहाँ पे, अगेन आपका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जब कह रहा हूँ ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, वहाँ दिखा दूँ या फिर हम दिखा दें कहाँ पे जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
ठीक है ना? तो ये बेसिकली मतलब आपके इनकम होते हैं, जो प्रॉफिट को निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं और काम पूरा करते हैं। कैपिटल एसेट्स जो होते हैं मेरे बच्चे, ये आपके ट्रीट, ये आपका ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, है ना? हम इनको क्या बोलते हैं, ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में आपका लाइबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ सिंपल क्लासिफिकेशन है इनके बारे में, अभी हम डिटेल में आएंगे, इनके बारे में समझेंगे कि आखिर ये क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। चलो ये तो समझ में आ गया कि अगर वो एक्सपेंडिचर है, मतलब पैसा हमारे पास से जा रहा है, और वो रेवेन्यू है तो हम एक्सपेंस मान लेंगे, कैपिटल है तो हम एसेट्स मान लेंगे। लेकिन झगड़ा यहाँ पे मेरे बच्चे, सवाल यहाँ पे कि हम कब किसी को रेवेन्यू और कब किसी को हम कैपिटल मानेंगे, ये क्लासिफिकेशन कैसे होगा, रेवेन्यू कब मानेंगे, कैपिटल कब मानेंगे। तो आओ जरा मैं आपके ही शब्दों में, आपके ही लैंग्वेज में आपसे बात करता हूँ। देखो ना, जितना अकाउंटेंसी हमने आज तक पढ़ा उसके हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसको बोलेंगे, वो जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिलेगा। आपने कोई रेंट पे किया, सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, वेजेस पे किया, और उसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में लिया, तो हम क्या बोलते हैं, वो रेवेन्यू है, मतलब हम एक्सपेंस मानते हैं बच्चे, बताया है मैंने आपको ना। अगर मान लो कोई ऐसा पेमेंट करो जिसका बेनिफिट इस साल के बाद आपको मिलेगा, जैसे कि मशीन खरीदा आपने, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर, मतलब जिनका बेनिफिट कई साल तक मिलेगा, हम उसको कैपिटल कहते हैं, मतलब कि एसेट्स आपका। रेंट पे क्या करंट ईयर का आपका एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर का। अगर हमने अगले साल का भी रेंट पे कर दिया, अगले साल का, जिसका बेनिफिट हमें इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो प्रीपेड रेंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर के लिमिट में मिल रहा है, करंट ईयर में, तो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, और जो भी इस करंट ईयर को एक्सीड कर देगा वो आपका कैपिटल नेचर का हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो ना, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। सर ये एक तो ठीक है, आपने बताया कि बेनिफिट कम मिल रहा है, इसको और भी कुछ तरीका है क्या? बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो मैं अगर मैं आपको बताऊँ ना, थोड़ा सा आपको अब मैं कॉन्सेप्ट में लेकर आता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सपेंस क्या होता है और एसेट्स क्या होता है, वही रेवेन्यू और वही कैपिटल। मैं थोड़ा दूसरे तरीके से जाता हूँ, ऐसे ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप देखो, अगर मान लो एक फर्नीचर है, एक फर्नीचर, अगर फर्नीचर मैं यानी कि सीओसी परचेज करता है, तो हमारा क्या होगा जी, वो हमारा एसेट होगा, है ना बच्चे? क्योंकि मेरा काम जो है ना वो आपका एजुकेशन का है, और इस एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए जो भी मैं एसेट्स एक्वायर करूंगा जिसका बेनिफिट कई साल तक मिलेगा, तो मैं उसको एसेट्स मानता हूँ। लेकिन सोचो जरा, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी कंपनी जिसका काम ही फर्नीचर को बनाना है, वो फर्नीचर को बनाती है और बेचती है। तो मेरे बच्चे, जब आपका काम ही फर्नीचर को बनाना और बेचना है, तो आपने जो फर्नीचर परचेज किया, हम क्या बोलेंगे, आपके लिए एक्सपेंस बोलेंगे, क्योंकि आपके लिए क्या परचेज कहा जाएगा ना। अरे जब कोई सामान आप परचेज करते हो अपने बिजनेस में, उसको सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो उसका नाम क्या देते हैं हम, परचेजेज, वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। बोलो ना, गलत बोल रहा हूं क्या? तो देखो, नेचर ऑफ बिजनेस जो है ना, ये भी डिफाइन करेगा कि आपका, हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करें कि एसेट ट्रीट करें। नेचर मेरा मान लो कि जैसे एक आदमी जो कि कार बनाता है, एक कंपनी जो कार बनाती है या कार बेचती है, तो उसको कार खरीदना, कार बेचना, उसके लिए क्या रूटीन है आपका। तो वो कार जो उसने परचेज किया बेचने के लिए, उसका गुड्स है, परचेज यानी कि एक्सपेंस मानता है। लेकिन मैं एक कार को परचेज कर दूं, तो मेरा काम तो वो नहीं है जी, मेरा काम दूसरा है, तो मेरे लिए वो एसेट्स को ट्रीट किया जाएगा। एक कंपनी वॉशिंग मशीन, एसी, टेलीविजन बेचती है, तो जो एसी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन वो बेचती है, जब वो खरीदेगी तो गुड्स मानेगी, यानी कि एक्सपेंस उसका परचेज के नाम से दिखाएगी। लेकिन उसी में से मान लो एक आपका एसी उसने क्या किया, अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया, एक टेलीविजन अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया, तो मेरे बच्चे वो हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया, क्योंकि उस एसेट, उस पर्टिकुलर टेलीविजन को या एसी को हमारा इंटेंशन बेचना नहीं है, हमें अपने बिजनेस में यूज करना है एज एन एसेट, एसेट के रूप में, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं। तो जब ये क्लासिफिकेशन होता है ना, तो एक तो हमारा हो गया आपका नेचर ऑफ बिजनेस आपका, आप सुनते चलो, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या ना, ये पढ़ाने का जो रीजन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली मतलब होता क्या है
कि 100% आइटम में से 99% आइटम आपको पहले से पता है कि भैया ये एसेट है कि एक्सपेंस है, मतलब रेवेन्यू है कि कैपिटल है, आप 99% जानते हो। 1% के लिए ना आपको अकाउंट्स में बुक में पढ़ना होता है थ्योरी, उसी 1% की बात कर रहे हैं। नेचर आपको भी बताएगा कि भैया वो एक्सपेंस है कि एसेट्स है ना। उसी तरीके से आइए रेकरिंग, कोई चीज जो आपके बिजनेस में बार बार होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका रेवेन्यू है। जैसे कि रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, वेजेस पे करना, गुड्स परचेज करना, ये सब हमेशा क्या बार बार करना पड़ता है, इट्स ए रेकरिंग नेचर आपका। जब कोई चीज मान लो कि आपके पास क्या होता है कि कभी कभी होता है, कभी कभी, कभी कभी का मतलब हो गया जैसे कि मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, क्या रोज करते हो क्या आप? नहीं सर। क्या ये बिजनेस में रोज होता है? नहीं सर, रोज नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉन रेकरिंग है। तो जो आपका रेकरिंग नेचर है ये भी डिफाइन करेगा, अगर बिजनेस में बार बार होता है तो आपका रेवेन्यू, और अगर कभी कभी होता है तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये बार बार और कभी कभी होना, ये क्या, इन अ सिंगल अकाउंटिंग ईयर, किसी एक अकाउंटिंग ईयर में हम चेक करते हैं कि क्या होता हुआ एक अकाउंटिंग ईयर में। अब एक सवाल आप बोल सकते हो कि सर मान लो कि कोई कंपनी ने एक साल में 5 बार मशीन परचेज कर लिया तो फिर क्या वो हम एसेट्स मान लेंगे? ना मेरे बच्चे, यहां पे आपको किसी एक साल में जब हम नेचर को देखते हैं ना, तो नेचर हम रूटीन में, मतलब जो हो रहा है वो नहीं देखते, हम इंटेंशन देखते हैं कि यार नेचर मतलब क्या, ये कैसा चीज है, क्या किसी भी बिजनेस में बार बार हो सकता है या मतलब कि वो कभी कभी ही होगा। नहीं समझो मेरी बात को, मैं दोबारा बताता हूं। जैसे मान लो आप कहते हो कि भैया हमने एक साल में एक बार ही सैलरी पे किया, फिर उसके बाद हमने कोई इंप्लॉय रखा ही नहीं, तो हम तो इसको कैपिटल मान लेंगे। हम बोलते हैं ऐसा नहीं है। आप देखो कि आप जो सैलरी वर्ड जो आपने बोला वो बिजनेस में जनरली वो बार बार पे होता है कि आपका एक ही बार पे होता है? तो जनरली क्या बार बार पे होता है, मतलब सिर्फ आप अपने आप को स्टिक नहीं कर दोगे, रिजिट नहीं कर दोगे कि यार एक खर्च मैंने सिर्फ एक बार में किया तो फिर तुम उसको कैपिटल मान लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें इंडस्ट्री एज ए होल को देखना होगा, सभी को कंसिडर करते हुए इन बातों को जज करना होगा। एक्सेप्शनली आपने कुछ किया है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हम जनरली क्या देखते हैं जी, कि रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेज, एडवर्टीजमेंट, ये सब कराना रूटीन में होता है, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये रूटीन में नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे, ये कैपिटल नेचर का, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड क्लासिफिकेशन आपका हुआ। नाउ थर्ड आपका यहां बताया जा रहा, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। आपने जो एक्सपेंसेस किया उसका पर्पस क्या है? देखो पर्पस दो तरीके का होता है। एक आपका होता है मेरे बच्चे आपका टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ एसेट। कई चैप्टर में मैंने इसके बारे में बताया, आज भी बताता हूं, आगे भी बताऊंगा। टू मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ एसेट, या फिर आपने जो पर्पस है वो क्या है जी, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एसेट। दो ही पर्पस होगा, या तो आपने जो खर्च किया अपने एसेट्स के मेंटेनेंस पे, हमने आपका मान लो मेरी ये स्टूडियो है मेरे बच्चे, अब इस स्टूडियो में एक लाइट आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, ऐसे 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 जल रहा है, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस लाइट को चेंज करा दूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा एफिशिएंसी मेंटेन होगा। मेरे बिल्डिंग के अंदर में कहीं टूट गया, कहीं फूट गया, मैं उसको सही कराता हूँ, इससे क्या होता है, एफिशिएंसी मेंटेन होता है। अब गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, उसमें कभी हेडलाइट टूट गया, कभी वायर टूट गया, कभी डेंटिंग पेंटिंग करा दिया, ये सब क्या होता है, ये मेंटेन करते हैं, एफिशिएंसी को एक्सपेंस माना जाएगा। लेकिन आपने क्या किया कि मान लो कि कोई ऐसा खर्च कर दिया जिससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाए, जैसे कि मैंने क्या किया जी, एक और स्टूडियो बना दिया, मैंने एक और इसके ऊपर में फ्लोर बना दिया, तो इससे क्या होगा, मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा, काम करने का एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो जो काम करने के एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि छोटा मोटा आपने रिपेयर किया गाड़ी पे तो रेवेन्यू है, आपने बड़ा एक्सपेंडिचर किया, ओवरहॉलिंग करा दिया आपने एसेट्स का, तो सब क्या होगा, आपका कैपिटल नेचर का माना जाएगा, क्योंकि आपने बड़ा खर्च किया हुआ है, तो उसको हम एसेट्स के कॉस्ट में ऐड करके अकाउंट्स हमारा कहता है कि आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, हम देखेंगे। तो ये आपकी चीज निकल है, पर्पस क्या, एक्सपेंस का मेंटेन करना या इंक्रीज करना एफिशिएंसी को। तो हमने बोला कि भैया नेचर क्या है बिजनेस का, नेचर क्या है एक्सपेंडिचर का, पर्पस क्या है एक्सपेंस का। नाउ कम टू एक इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर कोई ऐसा खर्च करता हूं जो रेवेन्यू को जनरेट करने का जो मेरा एफिशिएंसी है उसको मेंटेन करता है,
अब जैसे मेरे मशीन के अंदर में एक केरोसिन ऑयल की रिक्वायरमेंट है या पेट्रोल की रिक्वायरमेंट, डीजल की रिक्वायरमेंट है, मेरे मशीन को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मुझे अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना होता है जी तरीके से काम करने के लिए, मुझे इन सब काम में जो खर्च करता हूँ ना, वो सब क्या हमारा होगा? आपका मेरे रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को मेंटेन करेगा, है ना? ये जनरली आपका हर एक साल खर्चे आपके होते हैं, जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, जो इंक्रीज करेगा, जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे पास जो मशीन था मैंने उस मशीन की जगह पे एक नया मशीन लाल दिया जो मशीन कई साल तक मेरा बेनिफिट देगा। मैंने क्या किया जी, मेरे पास एक हैंड मतलब हाथ से चलाने वाला मशीन था, मैंने उसको हटा के क्या किया, एक ऐसा मशीन लिया जो ऑटोमेटिक काम करेगा। तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी मेरा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। मेरे पास मशीन था जिसकी कैपेसिटी 1000 मान लो शर्ट बनाने की थी, हमने नया मशीन लिया जिससे 2000 शर्ट्स बन सकते हैं आपका, तो क्या हुआ, एफिशिएंसी आपका इंक्रीज हुआ। तो ये जो चीज़ होते हैं ना, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी अगर मेंटेन करने के लिए तो एक्सपेंस अदरवाइज आपका एसेट्स माना जाएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। यहाँ पे आप मेरे साथ एक झगड़ा कर सकते हो, आपके दिमाग में कई बार इस सवाल आया भी होगा कि सर एक बात बताओ कि आप कहते हो कि जो बेनिफिट हमें फ्यूचर में देगा हम उसको एसेट्स मानेंगे और जो हमें बेनिफिट करंट ईयर में देगा हम उसको एक्सपेंस मानेंगे, ये मान लिया सर। लेकिन सर एक हमने कैलकुलेटर परचेज किया, ये कैलकुलेटर मैं 3 साल 4 साल 5 साल तक यूज करूंगा तो क्या मैं इसको एसेट मान लूं क्या? तो देखो मेरे बच्चे, फिर पांचवा पॉइंट कहता है कि देखो आपको ना यहाँ पे एक तो आपके संतोष सर ने आपको एक बात बता दी है कि 99% केसेज में आप पहले से जानते हो कि भैया ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है, वहां पे सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग 1% जहां पे डिस्प्यूट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं उनको दूर करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं। तो ये पांचवा पॉइंट कहता है कि देखो जी आप रिजिड मत हो जाओ, आप कह दो कि 5 साल 6 साल 7 साल आपको बेनिफिट देगा, मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लूं और बैलेंस शीट में दिखाऊं, ये हमें ठीक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि ये जो आपका कैलकुलेटर है ये इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही इमटेरियल है, बहुत छोटा, 150 200 250। सोचो ना मेरे बैलेंस शीट में जहां पे आइटम लैक्स में करोड़ में दिख रहे हैं वहां पे मैं रिजिड हो जाऊं कि भैया इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा और मैं इसको एसेट्स के रूप में दिखाऊंगा, दिस इज नॉट डन, ये गुड नहीं है बच्चे। तो फिर क्या करेंगे हम, कहते हैं बहुत छोटा अमाउंट है, मटलिटी जो है ना अमाउंट का वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू दूसरे, तो इसको हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंस के रूप में दिखा देते हैं। ऐसे भी हमारे अकाउंट्स में कहा गया कि 5000 या उससे बड़ा जब अमाउंट कोई होता है तभी आप उसको बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखा सकते हो, उससे छोटे अमाउंट को दिखाना वो बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट से। तो ये चीजें आपके पास हैं जिससे कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं रेवेन्यू कैपिटल का, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो आप समझे ना मैंने क्या बताया, इन शॉर्ट कुछ भी नहीं बताया, जो आप पहले से जानते भाई कोई चीज हमारे हमें बेनिफिट करंट में देगा, हमारा एक्सपेंस है, बेनिफिट फ्यूचर में देगा, हमारा एसेट्स है, एफिशिएंसी मेंटेन किया, एक्सपेंस हुआ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, एफिशिएंसी बढ़ा दिया कैपिटल मानेंगे, हमने बिजनेस का हमारा नेचर क्या है जी, हम अगर कोई सामान परचेज करते हैं गुड्स के रूप में तो हमारा एक्सपेंस होगा, एसेट के रूप में अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारा एसेट्स हो जाएगा, बोलो ना। हाँ ठीक तो बोल रहा हूँ, हमने कहा कि अगर आपको रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को कोई इंक्रीज करेगा तो हमारा कैपिटल होगा, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को अगर मेंटेन करेगा तो हमारा एक्सपेंस होगा। एसेट्स के नॉर्मल मेंटेनेंस में जितने सारे खर्चे किए जाते हैं वो रेवेन्यू होते हैं, एसेट्स के नॉर्मल मेंटेनेंस से बड़ा कोई ऐसा खर्च करते हैं जिससे कि जो बड़ा अमाउंट का होगा या फिर उससे एफिशिएंसी आपके एसेट्स की बढ़ेगी तो हम कैपिटलाइज करते हैं, एंड नो डाउट कि मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, कि आखिर वो एक कैलकुलेटर है, एक पेन हमने रख लिया जी और हमने कसम खाया कि इस पेन को जन्म जन्म तक मैं यूज करूंगा, इसको टूटने नहीं दूंगा, मैंने इसको सजा के ऑफिस में कहीं पर रख दिया तो मैं इसको एसेट्स मान लूँ क्या? नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि 10-12 रुपये का पेन कैसे दिखा दूँ एसेट्स के रूप में? अक्सर मैंने देखा है कि आप में से कई सारे बच्चे डाउट सेशन के टाइम पे ना आप गंदे गंदे मतलब उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, यही सवाल सर इसको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा कि जब क्लासेज आपको मैं दूंगा तो उसमें साफ साफ बता दूं कि भैया ये सवाल मत पूछना, ये छोटे मोटे खर्चे हैं, एज पर द मटेरियलिटी इसको हम कैपिटल नहीं मानते, ये इमटेरियल अमाउंट है, हम रेवेन्यू ट्रीट करते हुए काम खत्म करते हैं, अल्टीमेटली सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिवेल करता है। सब्सटेंस ऑफ फॉर्म का मतलब कि लॉजिक्स थोड़ा लगाओ, किसी चीज को आप समझते हुए ट्रीटमेंट करते हुए थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग नहीं कर सकते।
ठीक है, तो अब मैं आपको लेकर आता हूं आपके बुकलेट के अंदर में, जल्दी से आइए। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हम इसको शुरुआत करते हैं। दो तरीके के ट्रांजेक्शन बताया जा रहे हैं, एक कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने ये बताया कि जो कैपिटल ट्रांजेक्शन होंगे, कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालते हैं, और जो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होते हैं मेरे बच्चे, वो आपके इनकम स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इंपैक्ट डालते हैं, है ना। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, सॉरी कैपिटल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं, उनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। मतलब ये बैलेंस शीट में आने का मतलब क्या हो गया कि जिसका लॉन्ग टर्म कई साल तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल आगे जिसका बेनिफिट, जिसका इंपैक्ट होगा, लेकिन रेवेन्यू मतलब जिसका इंपैक्ट सिर्फ करंट ईयर में आपका होता है, ठीक है ना। अब एक बार आप नीचे आइए, कहता है इन दोनों के बाद, इट इज नेसेसरी टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम टू डिटरमाइन द करेक्ट इनकम ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियस बात है, अगर करेक्ट प्रॉफिट आपको निकालना है तो हम इसका डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है। आप प्रॉफिट निकालते समय आपने मशीन के खर्च को माइनस कर दिया, प्रॉफिट निकालते समय आपने एक बैंक से लोन लिया और पैसे आए, अब चिल्लाए कि मेरा इनकम हो गया, इनकम हो गया, और लोन के अमाउंट को भी आपने इनकम के रूप में ट्रीट कर लिया, तो गलत होगा ना बच्चे, फिर कहां से इनकम सही निकल पाएगा। वही कह रहा है, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेज एंड इनकम विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। मैंने बताया कि आपको रेवेन्यू को लेकर चलना होता है, हाउएवर बिजनेस में इनकर सम एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल, कुछ खर्चे कैपिटल के हैं वो भी इनकर्ड होंगे, लेकिन हम दिखाएंगे क्या रेवेन्यू नेचर की चीजें आपका। फिर आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास है, द फॉलोइंग फैक्ट्स विल नॉट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन टू डिसाइड वेदर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड और इनकम अर्न इज कैपिटल और रेवेन्यू। मतलब ये कभी कंसिडर नहीं किए जाते, जैसे सोर्स ऑफ पेमेंट, कहता है कि भैया एक पेमेंट आपने कैश से किया या पेमेंट आपने चेक से किया, इससे थोड़ा कोई मतलब है जी, समझ मेरी बात, आपने पेमेंट किस सोर्स से किया इससे थोड़े कोई क्लासिफिकेशन होता है कि नहीं जी हमने कैश से पेमेंट किया तो हम रेवेन्यू मान लेंगे, बैंक से पेमेंट किया तो कैपिटल, ऐसा थोड़ा ही होगा, तो ये ठीक नहीं है, है ना, ये ठीक नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा कहता है नेचर ऑफ रिसिपिएंट, जो आदमी पैसा रिसीव करने वाला है, अगर आपने कुछ पेमेंट किया तो जो रिसीव करने वाला है वो एक इंसान है, एक भूत है, एक भगवान है, एक कंपनी है, एक फर्म है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी रिसीव करे, तो ये जो है ना सोर्स ऑफ पेमेंट क्या है, आपका नेचर ऑफ रिसिपिएंट क्या है, इससे कोई क्लासिफिकेशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, और ना इंपैक्ट पड़ता मैनर ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट करने का तरीका क्या है। एक मिनट, सोर्स ऑफ पेमेंट मैंने गलत बता दिया, सोर्स ऑफ पेमेंट का मतलब कि जो आप पेमेंट कर रहे हो किस सोर्स से कर रहे हो, अपने मतलब अपने बिजनेस के पैसे से पे कर रहे हो या किसी से लोन लेकर आगे पे कर रहे हो, तो जो भी आगे आप पे कर रहे हो कहाँ से पैसा रहा मतलब नहीं बनता, और मैनर ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया कि आपका जो पेमेंट कर रहे हो वो कैश में कर रहे हो, चेक में कर रहे हो, क्या कुछ और दे रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दोबारा, सोर्स ऑफ पेमेंट मतलब अगर हमने एक मशीन खरीदा उसको, उसके लिए हमें पेमेंट करना है तो पेमेंट कहां से आएगा, या तो पेमेंट बिजनेस से लूंगा जी, या पैसा नहीं तो किसी से लोन लूंगा, तो आपने लोन लिया है या फिर बिजनेस से पे किया उस मशीन को खरीदने के लिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि रेवेन्यू की कैपिटल है ना, मशीन खरीदा बेनिफिट आगे मिलेगा तो कैपिटल मान लिया जाएगा। और लास्ट वाले में मैनर ऑफ पेमेंट का मतलब कि आप चेक से पेमेंट करो, कैश पेमेंट करो, या किसी और तरीके से, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नाउ आगे देखेंगे, एक आपका टेबल मैंने लिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक हमने कहा कैपिटल, एक कहा रेवेन्यू, एक कहा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया, रेवेन्यू भी बता दिया कि कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या उसका मतलब होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एक्चुअली मैं दो पार्ट में बताऊंगा, सोल प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनरशिप के केस में ना ये एक अलग ट्रीटमेंट चलता है, और कंपनी का जब स्टडी करेंगे तो वहां पे एक अलग ट्रीटमेंट होता है। मैं बात करूं इसका मीनिंग तो मैं बता दूंगा कि ठीक है जी मीनिंग ये है, लेकिन मेरे बच्चे आप कैपिटल कंपनी के केस में जब हम कंपनी के अकाउंटिंग सीखेंगे या जब आप सीखेंगे मेरे साथ, तो उसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई अब नाम नहीं होता, अब नहीं नाम होता है ना, क्योंकि वहां पे क्यों अभी बताऊंगा, थोड़ा सा पहले सुन लीजिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो जो एक्सपेंस है ना वो आपका क्या है जी, एक तो रेवेन्यू नेचर का है, एक्सपेंसेस जो है वो आपके रेवेन्यू नेचर के, मतलब जो रूटीन में होते हैं ऐसे ही खर्चे हैं, लेकिन उनका बेनिफिट आपको सिर्फ करंट ईयर में नहीं आगे भी कई वर्षों तक मिलेगा। नहीं समझ में आई बात, मैं आपको समझाता हूं। ये देखो आप,
देखो, एक कंपनी है एयरसेल, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जब ये कंपनी हमारे इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई थी, ऑल ओवर इंडिया में, तो इसने फर्स्ट ईयर में, पहले साल में क्या किया था, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में इसने 238 करोड़ रुपीज खर्च किए थे पहले साल में, फर्स्ट ईयर में इतना खर्च किया था। और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ये रूटीन में क्या करती है, 40 करोड़ रुपीज का खर्च करती है। मान लो 40 करोड़ का, तो समझो ये जो खर्च हो रहे ना बच्चे, दूसरे साल में जो खर्च किया, तीसरे साल में, चौथे साल में, ये रूटीन खर्चे हैं। ये वो उस साल में सस्टेन करने के लिए आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो जो रूटीन में आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ना, इट्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे जो रूटीन में खर्चे होते हैं। लेकिन आप ये खर्च देखो, जो पहली बार जब इसने अपने आप को लॉन्च किया तो कितना हैवी एक्सपेंडिचर किया, खर्च एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही था। लेकिन इस खर्च का मोटिव क्या होता है ना, कि ये इतना ज्यादा खर्च करना कि हर एक कंपनी, हर एक कस्टमर हमारे नाम को जानना शुरू कर दे। ये आपका ब्रांडिंग होता है आपके कई वर्षों के लिए। जब जियो, आपने सुना होगा, जियो जब लॉन्च हुई थी तो जहां देखो जियो जियो जियो, सब जगह उसी का नाम आता था जी। क्रिकेट देख लो, फुटबॉल देख लो, टेलीविजन देख लो, न्यूज देख लो, कुछ भी देखो, सब में क्या, जियो जियो। तो ये क्या था, जो स्टार्टिंग में आप एडवर्टाइजमेंट करते हो ना, ये आपका क्या होता है, एक हैवी एक्सपेंडिचर होता है, जिसका मोटिव कई साल तक आपका बेनिफिट लेने का होता है। तो मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका नेचर तो रेवेन्यू है, क्योंकि आपका एडवर्टाइजमेंट की बात की जा रही है, उसका नेचर क्या होगा, रेवेन्यू, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा, तो हम उसको बोलते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चों को, जो जैसे ये जो खर्च है, हम एक साल में प्रॉफिट लॉस में दिखाने के बजाय, अगर हमें लगता है कि ये खर्च हमें 4 इयर्स तक बेनिफिट देगा, तो हम इसको 4 साल में डिवाइड कर देते हैं और हर एक साल कुछ कुछ अमाउंट क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में इतना अमाउंट हमने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, तो बाकी जो अमाउंट बच गया ना, जिसको अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाया, हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि ठीक है भैया, ये अभी और हमें प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ करना है। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ जी, हमने इतना खर्च और दिखा दिया, तो सेकेंड ईयर के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा, वो उसमें इतना अमाउंट दिखाया जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर में। तीसरे साल में ये फिर से आपने खर्च दिखा दिया, तो ये जो अमाउंट होगा तीसरे साल के एंड में बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा कि अभी और राइट ऑफ करना है। चौथे साल में आपने इसको भी राइट ऑफ कर दिया, तो बैलेंस शीट सभी नाम खत्म हो जाएगा। मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, ये वो खर्चे हैं जो जैसे जैसे प्रॉफिट लॉस में, मतलब हम उन खर्चों को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या सोचती है, कितने साल तक उसको डिवाइड करना चाहिए। तो वो मैनेजमेंट क्या करती है जी, उस खर्च को उतने पार्ट में डिवाइड करती है। पहले साल में जितना प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, बाकी खर्चे आपके चले जाएंगे बैलेंस शीट में। फिर दूसरे साल में आपने फिर वही काम किया जी, प्रॉफिट लॉस में दिखाया, बाकी खर्चे बैलेंस शीट में, और 4 साल के बाद बैलेंस शीट से नाम खत्म हो जाता है। सर, हम इसको बैलेंस शीट में दिखाते क्यों है, ये तो एक्सपेंस है, और आप कहते हो कि बैलेंस शीट में एसेट्स आता है, क्यों दिखाते हैं? मेरे बच्चे, रीजन ये है, क्योंकि हमारा अकाउंटेंसी कहता है कि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप इनकर्ड कर चुके हो, कोई भी खर्च जो आप कर चुके हो, लेकिन अभी तक अगर आपने प्रॉफिट लॉस से मैनेज नहीं किया, तो आप उसको बैलेंस शीट में दिखाओ। और जैसे जैसे आप उसको, आपका प्रॉफिट लॉस से मैनेज करते जाओगे, बैलेंस शीट से हटाते जाना, ये कोई नई बात नहीं बता रहा, ये आप बचपन से करते आ रहे हैं। आप याद कीजिए, मैं आपको बताऊं कि ये देखो, मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और आपको एक छोटा सा दिखाता हूं बैलेंस शीट। आपने एक मशीन को परचेज किया, तो मशीन आपने कह दिया कि 1 लाख रुपीज का है, बैलेंस शीट में दिखा दिया। क्यों बैलेंस शीट में दिखा दिया? क्योंकि मेरे बच्चे, ये हम लोग कहते हैं कि भैया, ये हम सारा का सारा अमाउंट हम इस साल प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाओगे। हमने कहा कि देखो जी, हम इसको 4 साल में डिवाइड करते हैं और हर एक साल 25-25 खर्च मानते हैं। ये भी एक बड़ा खर्च था, है ना, उसको हम कहते हैं कि अब इसको डेफर्ड से ट्रीट नहीं करना। मैं डेफर्ड वाले ट्रीटमेंट को आपको बस लिंक करके बताना चाहता हूँ। एसेट्स क्या होता है आपको पता है। तो मशीन जो आपका 1 लाख का है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हमने कहा कि एक साल में 25,000 ही हम एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो मेरे बच्चे, फर्स्ट ईयर में अगर आपने डेप्रिसिएशन 25,000 दिखाया प्रॉफिट लॉस में, तो बैलेंस शीट में अब हमारा मशीन कितने का दिखेगा, 75,000। 1 लाख में 20, जितना हमने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया ना, उसको माइनस करने के बाद जो बचा। फिर हमने अगले साल क्या किया, फिर से डेप्रिसिएशन हमने 25 चार्ज किया, तो अगले साल फिर
बैलेंस शीट में मशीन से हम 25 माइनस कर देंगे, अब 50 दिखेगा। तीसरे साल में डेप्रिसिएशन 25 दिखाया, 25 यहाँ से कम हो गया, अब 25 दिखेगा। चौथे साल में 25 ये खत्म हो जाएगा। वही काम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ भी होता है कि भैया कोई नहीं, अगर आपको लगता है कि ये बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट लॉस में दिखाओ। जितना अमाउंट आप प्रॉफिट लॉस में दिखा चुके हैं वो ठीक है, जो अमाउंट अभी तक आपने प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाया उसको बैलेंस शीट में दिखाओ। जैसे जैसे उसको प्रॉफिट लॉस में राइट अप करोगे वो खत्म करते चले जाना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे अभी हमसे बैलेंस शीट नहीं पढ़े हुए उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, वहां पे अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट मीनिंग अभी आप समझ लीजिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब टुकड़े टुकड़े में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट लॉस में दिखाना, डिफॉल्ट कर देना, पार्ट पार्ट में कर देना। ये रहा, अब कंपनी में नहीं होता। जब आप कंपनी की अकाउंटिंग सीखेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि भैया कंपनी के केस में देयर इज नो एनी केस नाउ ऑफ डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कहते हैं कि सारे खर्चे जितने भी आपके एक्सपेंसेज होंगे वो सब आपके रेवेन्यू होंगे या फिर कैपिटल होंगे। तो ये सारे चाहे आप ह्यूज अमाउंट खर्च करो चाहे कुछ भी करो, उनको अपने प्रॉफिट लॉस में ही दिखाना होता है अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका इसका अगर मीनिंग एग्जाम में आ जाए डिफर्ड रेवेन्यू, तो जो मैंने आपको समझाया ना तीन चार पार्ट में करके समझाना, वही समझाना है आपको, क्योंकि ये जब आप पढ़ रहे हो तो कंपनी के केस यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। ठीक है, तो सर फिर कंपनी के बारे में क्यों बताया आपने, क्योंकि आपको बड़ा भी तो होना है। जब बड़ा होगे तो आपके जो मास्टर जी वहां पे होंगे वो जब समझाने का उनको होगा तो आप मत समझना, उसके पहले सो जाना 5-10 मिनट के लिए कम से कम थोड़ा, क्योंकि आपको पहले से आता है कि वो अपनी नींद खराब करोगे, और कोई खास रीजन नहीं है मेरे बच्चे। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेफर्ड, इसका भी और डिटेल डिस्कशन करूंगा पढ़ाऊंगा, बट अभी सुनते चलिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, या तो वो रेवेन्यू इनकम होगा, माफ कीजिए अभी इनकम छोड़ दो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिट्स आइए, रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स या रेवेन्यू रिसिट्स, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। आपका नीचे आ जाओ, आप नीचे आ जाओ, कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल रेवेन्यू हो चुका हम लोग का, इसको पढ़ लेंगे। नाउ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिटेल डिस्कशन हम इसका करते हैं थोड़ा और, आप समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। पढ़ो ना, आपको अच्छा लगेगा, है ना। मैं ना पढ़ूँ तो भी आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको समझाना, तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। पढ़ो मेरे साथ क्या बता रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द परचेज, ऑल्टरेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। या तो फिक्स एसेट्स को आपने परचेज किया या फिर आपका उसका ऑल्टर किया। ऑल्टर का मतलब क्या हो गया पता है? अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, ये जो मेरा ये जो ऑफिस है ना, जब मैंने इस ऑफिस को लिया था मेरे बच्चे, तो बिल्कुल ऐसी था, मतलब एक चार दीवारी थी और कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने क्या क्या इसमें ऑल्टरेशन किए, हमने इसका फिनिशिंग कराया, स्टूडियो बना, फैकल्टी रूम बना, अलग कैबिन बना, स्टाफ के बैठने का जगह बना, आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बैठने का जगह बना, रिसेप्शन बना। तो हमने इसमें क्या ऑल्टरेशन किए, समझो मेरी बात ना। ये जो मैंने ऑल्टरेशन किया वो भी क्या है, कैपिटल एसेट्स कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जो एसेट्स की कॉस्ट में हम ऐड करते हैं। एक चैप्टर डेप्रिसिएशन अभी आएगा या पढ़ चुके होंगे, मैंने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को समझाया हुआ है। तो कहता है कि सच एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये आपके अर्निंग कैपेसिटी जो है ना बिजनेस को, वो इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है। कहता है सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग इन इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी फॉर गेटिंग लॉन्ग टर्म एडवांटेज फॉर द बिजनेस। इन खर्चों को करने का मोटिव क्या, लॉन्ग टर्म एडवांटेज आपका होता है। इट इज नॉट इनकर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो हम ये सारी बातें लिखेंगे, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बोलते हैं कि भैया देखो ना कौन कौन से खर्चे, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को एक्वायर मतलब परचेज करने में जो खर्चा किया, डिलीवरी ऑफ फिक्स एसेट्स, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आपको मैं यहां पर क्या बताऊं, मैं एक बार दोबारा बता, इसको मिटा दूं मैं क्या, मैंने डेप्रिसिएशन चैप्टर आपने अगर मुझसे पढ़ लिया है तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पे आएगी, आई होगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत प्यारा बच्चा समझते हुए एक बार और समझा देता हूँ। देखो जरा यहाँ पे क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देयर यू विल रिसीव एवरी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 11th एंड 12th क्लासेस, प्लस फ्री पीडीएफ नोट्स एंड एमटीपीज एंड आरटीपीज विद द सॉल्यूशन
और वहाँ पर होंगे आपके डेली क्विजेस जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप राइट नाउ. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग. बाय बाय. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया अगर मैं एक एसेट्स को दिमाग में लेके चलूं, एक एसेट को मान लो जैसे कि मैंने ले लिया जी आपका एक मशीन को ले लिया मशीन. तो मेरे बच्चे ये वो आपका शोरूम है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिमाग में बिठाने की रिक्वायरमेंट है, बनाओ तो भी ठीक, ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं. एक शोरूम से क्या हुआ जी, मैंने एक मशीन परचेज किया, मशीन परचेज, मैंने जो मशीन परचेज किया उसकी जो कॉस्ट है ना वो कहता है कि 6 लाख रुपीज की है, 6 लाख रुपए है ना, 6 लाख में मैंने एक मशीन परचेज किया. अब ये मशीन शोरूम से मैं कहाँ लेकर जाऊंगा, अपने फैक्ट्री में जहां पे मुझे इस मशीन को यूज करना है. तो मेरे बच्चों इस मशीन को अब जब मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा तो नो डाउट कि क्या होगा, इस रास्ते का मुझे फ्रेट पे करना पड़ेगा, भाड़ा पे करना पड़ेगा, करना होगा ना यहाँ तक लाने में. मान लो 20,000 मैंने क्या किया, फ्रेट पे किया यहाँ पे आने का. मशीन को मतलब बहुत हैवी है, इंस्टॉल भी तो करना होगा, ऐसा तो नहीं कि मशीन लाए और फेंक दिया मैंने वहां पे काम करना शुरू हो गया, इंस्टॉल करना होगा. तो इस मशीन को यहाँ पे इंस्टॉल करने में हमें कुछ चार्जेज पे करना पड़ा, इंस्टॉलेशन चार्जेज, और वो चार्जेज मान लो मेरा 1 लाख रुपीज और लग गया यहाँ पे मशीन को इंस्टॉल करने में, ठीक है ना. उसी तरीके से आपका मतलब ये, तो देखो मेरे कहने का मतलब है ये जितने सारे खर्चे आप करते हो ना, कब तक कहते हैं कि अप टू इंस्टॉलेशन. इंस्टॉल करने का मतलब होता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में पुट टू यूज. पुट टू यूज मतलब कि एसेट आपका रनिंग कंडीशन में आ जाए, यूज करने लायक बन जाए, उस समय तक जितने सारे खर्चे होते हैं दे ऑल आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होने का मतलब कि अब जब मैं उसको बैलेंस शीट में लिखूंगा कि मेरा मशीन कितने का है, तो मशीन 6 लाख प्लस 20 प्लस 1, यानी कि मशीन की वैल्यू जो मेरा एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड होगा वो 7,20,000 से होगा, 7,20,000 रुपये. आप मेरी बातें समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ मेरे बच्चे. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो अमाउंट जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना है. तो कहते हैं कि कोई एसेट्स को परचेज किया, सिर्फ परचेज करना ही नहीं, उसको लाने में आपने हो सकता है मेरे बच्चे यहाँ पे जब आप मशीन परचेज कर रहे थे आपने किसी एजेंट को इम्प्लॉय किया था और उस एजेंट को आपने कमीशन पे किया था 30,000, तो ठीक है ये भी क्या इसके पहले के खर्च ना ये भी ऐड हो जाएगा, तो अब आपका ये 750 का अमाउंट हो जाएगा. समझो मेरी बात ना, जितने भी खर्चे कर दो यहाँ पे मतलब अप टू पुट टू यूज. पुट टू यूज का मतलब कि रनिंग कंडीशन में आ जाना, वो आपके मुताबिक रनिंग कंडीशन में जो आ गया उसमें लाने तक में जितने सारे खर्चे होंगे हम उन सबको यहाँ पे ऐड करेंगे. एक ये तो नए मशीन की बात कर दिया मैंने, अब आ जाओ एक मैंने ओल्ड यानी कि सेकेंड हैंड, ये सब दिमाग में बैठाने वाली बातें हैं. एक मैंने कार परचेज किया, सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड मशीन, सेकेंड हैंड फर्नीचर कुछ भी, और वो कार मुझे यहाँ पे मिली मेरे बच्चे 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपीज की. मैं जानता हूं कि मैं जब उस कार को लेकर आऊं, जब मैं उसको यूज करूंगा बिजनेस में, एक्चुअली हम बात बिजनेस का कर रहे हैं तो हम बिजनेस के पॉइंट से सोचेंगे. तो मैंने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को बोला कि देखो जी कार जो है ना सेकंड हैंड लिया, थोड़ा सा इसमें डेंटिंग पेंटिंग करा दो, थोड़ा सा सीट कवर चेंज करा दो, पुराना लग रहा है. तो मैंने क्या किया उसमें, मान लो इसके रिपेयरिंग में 35,000 खर्च हो गए. ये रिपेयरिंग का खर्च कब हुआ, पहली बार का मतलब कि हमारे मुताबिक उस एसेट का जो रनिंग कंडीशन होगा ना वहां तक पहुंचाने तक में जो खर्चे हो रहे हैं ये भी कॉस्ट इसमें ऐड होगा. अगर ये आपका फर्स्ट टाइम जो आप रिपेयरिंग करा रहे हो, सेकेंड हैंड नए एसेट्स में रिपेयरिंग क्यों कराऊंगा, वो तो ठीक है, लेकिन पुराने एसेट्स में अगर आप सपोज की कोई रिपेयरिंग फर्स्ट टाइम कराते हो अच्छा रनिंग लैग बनाने के लिए, तो आप उसको एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं एंड वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना. यह बात समझ आ रही मैं क्या बता रहा हूं. नाउ एक बार जब एसेट्स आपने क्या किया यहाँ पे यूज करना शुरू कर दिया, तो मेरे बच्चे एसेट जब यूज करना शुरू हो गया ना इसके बाद अगर आप कोई रिपेयर कराते हो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू मतलब कि एक्सपेंस माना जाएगा,
वो रूटीन के खर्चे हो गए, नॉर्मल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। नॉर्मल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए जो आप खर्च कर रहे हो वो आपका रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि मान लो कि कोई हमने कार लिया था और कार हमने यूज करना शुरू किया, छोटा मोटा टूट फूट जो हुआ तो हमने रिपेयरिंग करा दिया। कभी कभी क्या हुआ कि कार का मान लो कि इंजन ही खराब हो गया, या हमने बोला यार ये पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा तेल यूज ले रही है, चलो इसको हम लोग सीएनजी में कन्वर्ट करा देते हैं। हमने सीएनजी में कन्वर्ट करा दिया, तो सीएनजी में कन्वर्ट कराने का मतलब कि अब मेरी कार की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बोलो ना। हाँ, जब कार की एफिशिएंसी बढ़ गई तो सीएनजी का जो कॉस्ट होगा ना वो हम क्या करते हैं, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है और उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा डेप्रिसिएशन चैप्टर में। यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं बनता, हम थ्योरी सेगमेंट में हैं, हमें तो बस इतना समझना है कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो बैलेंस शीट में जाएगा, तो जितने खर्चे एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होएंगे वो सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। और कौन से खर्चे ऐड होंगे जी, फर्स्ट टाइम वाले खर्चे, सेकेंड ऐड है तो उसमें भी फर्स्ट टाइम वाले खर्चे, चाहे रिपेयर ही क्यों ना हम उसको ऐड करेंगे। एक बार एसेट रनिंग कंडीशन में आ गया, उसके बाद अगर मान लो मैं कोई नॉर्मल रिपेयरिंग करा रहा हूँ तो हमारा एक्सपेंस होगा, वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, हम उसको एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे। आपने कोई ऐसा खर्च कर दिया कि उसकी एफिशिएंसी को आपने बढ़ा दिया तो हम क्या करेंगे जी, आपने जैसे कि कार का पूरा लुक ही चेंज करा दिया, कार का आपने कार के ऊपर में एक और कार ऊपर में जुड़वा दिया कि हम वहाँ भी बैठेंगे, तो जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, इंजन चेंज करा देना, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। अब पढ़ो, यहाँ पे क्लियरिटी आएगी, पढ़ो ना क्या क्या इसमें कवर्ड होगा। एक्विजिशन मैंने बता दिया, डिलीवरी ऑफ फिक्स्ड, डिलीवर्ड करने में जो खर्चे होंगे ठीक है, इंस्टॉलेशन में जो खर्चे होंगे मैंने बता दिया, लीगल कॉस्ट ऑफ बाइंग, कोई लीगल कॉस्ट है, लीगल कॉस्ट मतलब कोई मान लो कोई पेपर वर्क कराना है, कुछ अभी कोई एग्रीमेंट कराना है, जैसे होता ना कि कभी हम जैसे एक बिल्डिंग हमने एक्वायर किया, तो बिल्डिंग जब परचेज करते हैं तो हम उसके रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री पे हमें कुछ पेमेंट करना होता है, दैट इज ए लीगल कॉस्ट, तो वो भी हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे। डेमोलिशन कॉस्ट का मतलब हो गया कि अगर मान लो मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, वहां पे पहले से कोई बिल्डिंग पड़ी है, पुरानी बिल्डिंग, तो पुराने बिल्डिंग को जो तोड़ूंगा और फिर नई बिल्डिंग बनाऊंगा तो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का जो कॉस्ट होगा ना वो भी इसी बिल्डिंग से लिंक माना जाएगा और हम उसमें क्या करते हैं, उस कॉस्ट को ऐड करते हैं। मतलब पुराने बिल्डिंग को तोड़ना, डेमोलिश करना और नए को लेके आना, वो भी उसके अंदर में कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। आर्किटेक्ट फी, हमने कोई डिजाइनिंग कराया है आपका फैक्ट्री का, प्लांट का, उसके लिए कोई चार्जेस पे किया, वो भी आपके ऐड किए जाएंगे। एसेट्स के इम्प्रूवमेंट पे, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है अब जब यूज शुरू हो गया उसके बाद उसकी एफिशिएंसी जो बढ़ाएगा उन कॉस्ट को भी हम ऐड करते हैं। एक्सटेंशन हो गया एसेट्स का, एक हमने और ऊपर में फ्लोर बना दिया बिल्डिंग ऊपर में, तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। एंड पुटिंग द न्यू एसेट इनटू अ वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में लाने तक में जितने सारे खर्चे, एक ही चीज कई नाम से बता रहा है, फिर आपका आगे कहता है, पढ़ेंगे आप, एक्विजिशन ऑफ राइट टू कैरी अ बिजनेस। अगर हमें कोई बिजनेस चलाना है उसके लिए हमें राइट मतलब लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस जो आपने लिया होगा ना उसका भी जो कॉस्ट होगा वो भी इसमें ऐड होगा, ठीक है ना। वो सारे आपके कहता है, फिर कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग सेकेंड हैंड मशीन, मतलब मेजर रिपेयरिंग कोई कराया सेकेंड हैंड मशीन में, तो आपका यहाँ पे अब ये मेजर रिपेयर क्या होता है और स्मॉल रिपेयर क्या होता है, बच्चे यहाँ पे डिस्प्यूट्स है, ये मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट और आप अपने मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आपके दिमाग में आ सकता है कि सर कार हमने लिया है मान लो कि 5 लाख रुपीज की हमारी कार है, 10 लाख की कार है, अब टायर खराब हो गया, कार का टायर खराब हो गया, तो टायर का मैं क्या करूं, वो भी तो आगे एफिशिएंसी बढ़ाएगा। बोलता कि क्या बात कर रहे हो, कार के कंफर्टेबली जो टायर है वो क्या खर्चे ई मटेरियल है ना, 5,000, 6,000, 7,000 का आता है, तो क्यों उसको सिंपली एक्सपेंस के रूप में दिखा दो। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है कि उसको बहुत ज्यादा कोई बड़ा खर्च किया आपने, कुछ आपने कुछ चेंजेस कराए उसके अंदर में, कुछ बड़ी एफिशिएंसी को बढ़ाया, वो कैपिटलाइज करने की बात की जा रही है। समझिए मेरी बात ना, खुराफाती दिमाग पता है क्या बोलता है कि सर मेरे कार का लाइट खराब हो गया, लाइट चेंज करा दिया तो वो भी तो एफिशिएंसी बढ़ाया। अरे नहीं बदमाश, उस लाइट को चेंज कराने से ऐसा थोड़े कि पहले 5 किलोमीटर दिखता था अब आपको 100 किलोमीटर दिखना शुरू हो जाएगा। लॉजिकल बात करो, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो और सब जगह ना आपको सब्सटेंस के रूप में सोचना पड़ेगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? कार का आपने टायर चेंज करा दिया, कार का सीट कवर बाद में चेंज करा दिया, कार का स्टेयरिंग कवर चेंज करा दिया, कुछ भी करा दिया, हम बोलते हैं कि रेवेन्यू है। कार के इंजन का रिपेयरिंग कराया, रिपेयरिंग, वो भी रेवेन्यू है। कार के इंजन को रिप्लेस कर देना है ना, कि नहीं जी अब पेट्रोल नहीं मैं सीएनजी, वो आपको बोलते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाया गया, वो कैपिटल को कैपिटलाइज कीजिए, ठीक है ना। और फिर आपका ट्वेल्थ में कहता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये चीज आगे आएंगी, बट फिर भी आपको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। ये लो सुनो मेरी बात ध्यान से। पता है आप शायद न्यूज में सुने हो या नहीं, मुझे नहीं पता, कि कोरिया की एक कंपनी है हुंडई, नाम सुना आपने ना इसका, इसने एक आपका फ्लाइंग कार बनाया है, फ्लाइंग कार, और ये कहते हैं कि हम 2028 में इस कार को लॉन्च कर देंगे। मैं फ्लाइंग कार के बारे में आपको समझाता हूं ये क्या है मेरे बच्चे। अगर आपको मन करता है कि यार मुझे रोड पे नहीं चलना, मुझे उड़ना है, तो कार को आप उड़ा लो। मन करता है कि नहीं मुझे इस जमीन पे, मुझे लोगों के साथ चलना है, रोड पे चलना है, तो कार को आप नीचे कर लो, जमीन पे लेकर जो आपकी मर्जी है। ऐसी कार बन के तैयार हो चुकी है, ऐसे कार का रिसर्च भी हो चुका है। क्या हो चुका है? रिसर्च। ऐसे कार का रिसर्च हो चुका है मेरे बच्चे। रिसर्च मतलब ऐसी कार बनाने में ना, जो सैंपल बन के तैयार हुआ कि ऐसा फिजिबिलिटी है कि नहीं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, इंप्लॉय काम करते हैं इसके लिए, मशीन क्या बोलते हैं जी, इस रिसर्च को करने के लिए कई सारे चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कई सारे दिमाग को लगाना पड़ता है, कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और इसका रिसर्च पूरा हो चुका है। लेकिन जब भी रिसर्च पूरा हो चुका है, मतलब ऐसी कार बन के तैयार हो चुकी है एक सैंपल ग्रुप में, तो फिर 2028 क्यों, अभी लॉन्च करो। इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि अब इसका शुरू होगा डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में क्या होगा? डेवलपमेंट में कार के डिजाइनिंग पे काम किया जाएगा, रिस्क को देखा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार हमने उड़ाया जमीन से ऊपर और उड़ाते ही क्या हुआ कि 10-12 लोगों को लेकर हमने साथ में उड़ा दिया, या कार जब हम जमीन पे लेकर आए तो जमीन पे जब हम आए तो नीचे में कई लोग थे, उनको जमीन के अंदर हमने धकेल दिया, मतलब एक्सीडेंट ना हो जाए, कार कैसे चलेगा, वो कैसे उड़ने का तरीका होगा, रिस्क कितने लोग बैठेंगे, बहुत सारी चीजें भी करना होता है। दिस इज कॉल्ड नाउ डेवलपमेंट फेज। रिसर्च हो चुका है ना, अब उसका डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि देखो जी, रिसर्च पे जितने सारे खर्चे होते हैं ना, हम उनको रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू, और ये हमारा ना प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस ग्रुप में शो किया जाता है। इनके डेवलपमेंट पे जितने सारे खर्चे होंगे उसी को हम एसेट्स ग्रुप में ट्रीट करेंगे। मतलब एक टेक्नोलॉजी, आप जो एक टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो, इस टेक्नोलॉजी को हम बैलेंस शीट में कितने पे दिखाएं, तो जितना खर्च डेवलपमेंट पे होगा, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे जो आपने रिसर्च में खर्च किया वो हम क्या एक्सपेंस मानते हैं, दे कम टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अभी तो आपको इतना ही समझना होगा, आप छोटे बच्चे, इससे ज्यादा समझाऊंगा तो पता नहीं कहां कहां चले जाएंगे। तो डेवलपमेंट पे जो खर्च होगा वो कैपिटलाइज किया जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। फिर आपका कुछ अदर एग्जांपल मैंने दिया हुआ कि जैसे मान लो गुडविल आपने, मतलब सीओसी ने क्या किया, टाटा को परचेज कर लिया, सीओसी एजुकेशन ने टाटा को परचेज किया, तो टाटा के मालिक को बोला कि भैया आपके ब्रांड के बदले में, आपका जो रेपुटेशन है उसके बदले में 5 लाख रुपए देता हूं। तो ये जो 5 लाख पे किया ना मैंने उनको, ये गुडविल कहा जाता है, उनके ब्रांड यानी गुडविल के लिए पे किया। इस गुडविल को भी हम एसेट ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये ब्रांड जो उनका इमेज है वो मुझे कई साल तक बेनिफिट देगा, तो वो गुडविल आपका होता है। हमने आगे कहता है कि कोई मान लो ऐसा खर्च किया जिससे कि वर्किंग एक्सपेंस कम हो जाए। अब एक मान लो मेरे यहाँ पे ऑफिस में क्या है कि पहले अटेंडेंस जो लगता था वो एक लड़का खड़ा होकर अटेंडेंस लिया करता था रजिस्टर में। हमने कहा यार फालतू में एक लड़के की कॉस्ट लग रही है, मैंने एक ऑटोमेटिक मशीन लगा दिया, आओ पंच करो और आप फिर अंदर आओ। तो ये जो वर्किंग एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए जो मैंने खर्चे किए ना, नए नए उपाय डाले, ये भी क्या कैपिटलाइज करते हैं, बैलेंस शीट में जाता है। अल्टीमेटली ये एसेट्स होते हैं और कुछ खास नहीं, ठीक है ना। तो आप उसको देख लेंगे और फिर नीचे अगला पैराग्राफ पढ़ना। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑल अमाउंट स्पेंट
अप टू द पॉइंट एन एसेट इज रेडी फॉर यूज शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल. बोला तो रेडी फॉर यूज यानी कि यहां तक के खर्चे, है ना, कुछ नया थोड़ा ही है. एग्जाम्पल कहता है, आगे पढ़ना, फीस पे टू लॉयर फॉर ड्रॉइंग अप द परचेज डीड ऑफ द लैंड. लैंड का परचेज डीड बनना मतलब वो आपका एग्रीमेंट बनना है जी, उसके लिए फीस पे किया. ओवरऑलिंग एक्सपेंस जो हुआ सेकेंड मशीनरी का, इंटरेस्ट हमने कुछ पे किया है जी लोन पे. वो लोन किसने लिया था, किसी एसेट्स को परचेज एक्वायर करने के लिए, तो एसेट्स के लिए कोई हमने आपका एक्वायर करने लोन लिया था, वो हम करते हैं यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है ना. लेकिन वो इंटरेस्ट कब तक काम लेते हैं, ऐड करते हैं, जब तक वो एसेट्स यूज रेडी टू यूज ना हो जाए. मतलब जैसे मान लो कोई मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, अब ये भी टॉपिक आगे का है, बट क्योंकि थ्योरी में सब कुछ पढ़ाना पड़ जाता है, इसलिए मैं थ्योरी पहले नहीं पढ़ाता. मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बता दूँ, तब आप थ्योरी पढ़ाऊँ. बट एनीवे कोई बात नहीं. कहते कि एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो बिल्डिंग का मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने लोन लिया. बिल्डिंग जिस दिन तक बन के तैयार हो गई ना, उस दिन तक जो हमने इंटरेस्ट पे किया होगा वही बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होता है. बिल्डिंग तैयार हो गई उसके बाद भी कोई इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता मेरे बच्चे, वो एक्सपेंस मानते हैं, प्रॉफिट लॉस में जाता है. ठीक है सर, ऐसा क्यों? आप छोटे बच्चे हैं, जब आप एस पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां समझाऊंगा, पहले आप आइए. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आप बुकलेट में चेक करेंगे, मैंने समझा दिया है, बस उसी को आपको बता रहा हूं. अरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. मेंटेनिंग नॉट इंक्रीजिंग, उनके अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जिन खर्चों को हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू. एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट एक्सप्रेस विद इन द ईयर और एक्सपेंडिचर विच मेयरली सीक्स टू मेंटेन द बिजनेस और कीप एसेट्स इन ए गुड वर्किंग कंडीशन इज रेवेन्यू. एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में रखना है, एसेट्स को मेंटेन करना है ना, ये आपका नॉर्मल जो खर्चे होते हैं दे ऑल आर कॉल्ड रेवेन्यू. आपका एक्सपेंसिज ऑफ द फॉलोइंग कहते हैं कि रेवेन्यू में पढ़ो ना, रनिंग बिजनेस के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, रेंट पे कर रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ, चाय कॉफी पिला रहा हूँ, सब रेवेन्यू होते हैं. एक्सपेंसेज इनकर टू मेंटेन फिक्स्ड, जैसे मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू है. परचेज ऑफ मटेरियल हो गया, गुड्स हो गया, रेवेन्यू है. डेप्रिसिएशन अभी मैं बता रहा था कि भैया एसेट्स दिखाऊंगा उतना ही जितना मुझे आगे अभी बेनिफिट देगा, जितनी वैल्यू को मैंने यूज कर लिया वो तो हमारा रेवेन्यू मतलब एक्सपेंस बन चुका है, वो यहाँ पे जाएगा, है ना. एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिस में जो खर्चे हो रहे हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे जो मैं खर्च कर रहा हूँ, कमीशन पे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ शोरूम का, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करा रहा हूँ, दे ऑल आर कॉल्ड टैक्सेज. लीगल एक्सपेंसेज कुछ हो रहे बिजनेस में, रूटीन में आपका रिसर्च एक्सपेंडिचर, बताया था ना रिसर्च वाले रेवेन्यू और डेवलपमेंट वाले कैपिटल होंगे, वही बात है आपको समझा रहा है. कहता है कि सच एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, डज नॉट डज इट रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग परमानेंट. मतलब इससे कोई ऐसा चीज नहीं जो आपको परमानेंट आएगा या कोई आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, ये तो बस एफिशिएंसी को मेंटेन करने में सब खर्चे करते हैं. ठीक है, नोट नंबर वन पढ़ेंगे आप यहां पे, आपके लिए रेलिवेंट है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए. कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, रुक जाओ यहाँ पे, मैं आपको कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब आपको बताना चाहता हूँ. वर्ड जरा ध्यान सुन लो क्या बोलता रहा है, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर. सर क्या कर रहे हो, नहीं बताऊंगा मैं, पहले एक बार कर लूं उसके बाद सुनो. कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, अगर ये शब्द आ जाए कि भैया इसके बारे में बताओ क्या है, तो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब कि वो खर्चे जो ऐसे अकेले उनको देखो ना तो रेवेन्यू नेचर के लगते हैं, लेकिन हम उनको कैपिटलाइज्ड मतलब एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं. जैसे कि ये देखो आप, लो यहां मिटा दिया ना, मैंने लिखा था फ्रेट. अगर कोई कहता है फ्रेट क्या है, तो रेवेन्यू है. अरे फ्रेट तो रेवेन्यू ही होता है ना बच्चे, लेकिन फ्रेट पेड फॉर ब्रिंगिंग द मशीन फ्रॉम द शोरूम टू द फैक्ट्री, वो क्या है, तब हम उसको कैपिटलाइज करते हैं. मतलब कि जो खर्चे देखने में रेवेन्यू नेचर के लगते हैं बट वो एसेट्स से जुड़े हुए, तो हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं. वेजेस अगर कोई कहेगा तो क्या बोलेंगे, रेवेन्यू है. लेकिन वेजेस हमने पे किया उन वर्कर्स को जो मशीन का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम उनको कैपिटलाइज करते हैं जी. मशीन को बनाने में जितने सारे खर्चे होंगे वो सब मशीन के कॉस्ट में तो ऐड करते, पढ़ा आपने ना,
अरे पढ़ा है जनरल इंटेलिजेंस का, पता नहीं कहाँ कहाँ, कि अगर मान लो वेजेज मैं पे करता हूँ आपका मजदूर को फैक्ट्री के अंदर में, इट्स कॉल्ड वेजेज, हमारा एक्सपेंस है, बट वेजेज हमने पे किया एक ऐसे लेबर को जो वर्क कर रहा है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री और द मशीन वट एवर मे बी द एसेट, तो हम उस एसेट्स की कॉस्ट में उसको ऐड करते हैं, दैट बिकम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंस क्या है? रेवेन्यू है। लेकिन लीगल एक्सपेंस टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी, टू एक्वायर एन एसेट, तो क्या कैपिटलाइज बैलेंस। तो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर का मतलब कि ऐसे तो नेचर, अगर उसको अकेले देखो तो रेवेन्यू लगता है, बट हम उसको कैपिटलाइज यानी कि कैपिटल में ऐड करते हैं। पढ़ो ना क्या बता रहा है, एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद द परचेज ऑफ फिक्स्ड आर कॉल्ड कैपिटलाइज्ड, सच है वेजेज फिर फॉर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन हो गया। मैं तो कितनी बातें बता दी आपको, ये तो एक ही बता रहा है। ठीक है, नोट नंबर टू में कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बैलेंस शीट, ये तो हमें पता है जी, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में। ये कौन सी बड़ी बात है, वी नो इट वेरी वेल, ये हम जानते हैं। ये ऊपर से सर ने आपको कितना अच्छी तरीके से बताया था, सब लिखाया भी था आपका, ये कोई मतलब थोड़े बनता है। नाउ वी कम टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वी नो नाउ, वी नो एवरीथिंग, कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो देखने में तो रेवेन्यू नेचर का लगता है, बट क्योंकि वो कई साल तक आपको बेनिफिट देगा, इसलिए हम क्या करते हैं उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसे खर्चे जितना हमने इस साल प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया वो ठीक है, बाकी बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। उस बैलेंस शीट में जितना आपने दिखाया उसमें से जितना अगले बार दिखा दिया बाकी हम फिर से बैलेंस शीट में दिखाते हैं, यही काम तो करते हैं। तो पढ़ो ना, व्हेन द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, हाँ, बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल फॉर पीरियड ऑफ 2, 3 और मोर इयर्स, 2 या उससे ज्यादा साल, सच एक्सपेंडिचर इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इज रिटन ऑफ, मतलब दिखाते प्रॉफिट लॉस में, ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स एंड नॉट होली इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, जिस साल खर्च हुआ सिर्फ उस साल ही नहीं बाकी। बट ये किसके लिए, नॉट फॉर द कंपनी, फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में सारे खर्चे हम दिखा देते हैं बच्चे, वहां पे बोलते हैं कि नहीं जी। और मुझे लगता है कि आज से कुछ समय के बाद ना ये कॉन्सेप्ट ही बुक से हट जाएगा, फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि डेफर्ड कोई नाम ही नहीं होता है, बट अभी है इसलिए आपको पढ़ना है। अभी ट्रीटमेंट भी है पार्टनरशिप सोल प्रोवाइडर के लिए। खैर आगे पढ़ेंगे, इफ अ न्यू एग्जाम्पल में, इफ अ न्यू फॉर्म एडवर्टाइजेज हैवीली, वेरी हैवीली इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो भी समझा रहा था एयरसेल वाला, टू कैप्चर ए पोजिशन इन द टीन मार्केट, द बेनिफिट ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग कंपेन विल लास्ट क्वाइट अ फ्यू ईयर्स, इट विल बी बेटर टू राइट ऑफ द एक्सपेंडिचर इन 3 और 4 ईयर्स, नॉट होली इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। उसी तरीके से एक कहता है कि मान लो आगे पढ़ रहे हैं कि कोई ऐसा लॉस हो जाए जो लॉस बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा, पढ़ो ना, वेन लॉस ऑफ स्पेसिफिकली हैवी एंड एक्सेप्शनल नेचर इज सस्टेन्ड, एक्सेप्शनल नेचर आपका कोई ऐसा लॉस हो जाए, मतलब जबरदस्त आपके बिजनेस में किसी फैक्ट्री में आग लगी, बहुत सारा लॉस हो गया, बहुत सारा लॉस हो गया, तो कहता है इट कैन ऑल्सो भी ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफ फायर और अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग द लॉस मे बी रिटर्न ऑफ इन 3 to 4 ईयर्स, द अमाउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ अपियर इन द, जो अभी तक वही कॉन्सेप्ट जो राइट ऑफ नहीं किया उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, जो राइट ऑफ कर चुके उसको हटा दिए, ओनली लॉस अराइजिंग फ्रॉम सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड वन कंट्रोल कैन बी ट्रीटेड, मतलब कोई भी ऐसा लॉस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे अर्थक्वेक होना, फ्लड होना, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, उन्हीं लॉस की बात कर रहा है, उन्हीं लॉस की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू हो गया। नाउ रेवेन्यू रिसिट्स क्या होते हैं और कैपिटल रिसिट्स क्या होते हैं, इनके बारे में क्या बताऊं मैं। रेवेन्यू रिसिट्स जिसको हम इनकम बोलते हैं, 99% केस, क्या 100% केस में वो जो भी आपको इनकम दिखता है, आपको इनकम पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम, सर्विसेज रेंडर करना, गुड्स को बेचना, है ना, आपने कहीं पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था उस पे इंटरेस्ट कमाना, कमाना आ रहा पैसा, रिसीट की बात कर रहे हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था वहां से डिविडेंड कमाना, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, कमाई हमारे, है ना बच्चे। और जो आपके कैपिटल रिसीट्स होते हैं एक्चुअली जो बैलेंस शीट में आते हैं, जैसे कोई लायबिलिटी, कोई लोन रेज किया आपने, बैंक से लोन लिया, डिवेंचर्स इशू किया, पब्लिक से कर्ज लिया, या ओनर से पैसा लिया, जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, दे ऑल आर कॉल्ड कैपिटल रिसिट्स। यहाँ पे कुछ ज्यादा समझाने को है नहीं, आप फिर भी आपके खातिर एक बार पढ़ लेता हूँ, यार बहुत चिल्लाना पड़ता है आपके लिए, आज मेरा अमृत भी पता नहीं कहाँ चला गया वो।
एनीवे पहले खत्म करके फिर जाऊंगा मैं अपने अमृत को लाने के लिए। पढ़ो ना, अमाउंट रिसीव इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ परचेज्ड गुड्स आर रेवेन्यू रिसीट्स, है ना, सेल प्रोसिट्स आपका गुड्स कहता है, डिस्काउंट रिसीव किया आपने, कमीशन रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, ये सब्सक्रिप्शन दान जनरल डोनेशन एंट्रेंस भी ये एनपीओ चैप्टर में आपको ज़्यादा वहाँ समझ में आएगा, बट कुछ भी आप जो रिसीव कर रहे हो नॉर्मल जनरल नेचर का रिकरिंग नेचर का बार बार जो आप रिसीव करते हो, न्यूज़पेपर में बेचना, स्क्रैप को बेचना, लॉकर रेंट रिसीव करना, दे ऑल आर कॉल्ड रेवेन्यू। और कैपिटल में कहता है कि जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है, जैसे कि ऑनर का कंट्रीब्यूशन, शेयर कैपिटल, कंपनी में शेयर कैपिटल होता है जो हम यहाँ पे कैपिटल बोलते हैं ना, जैसे एक ऑनर है तो कैपिटल बोल दिया, दो ऑनर यानी कि पार्टनरशिप में हम कहते हैं एज कैपिटल बेज कैपिटल। अब कंपनी में हजारों लाखों मालिक होते हैं, उतने लोगों के नाम को कैसे लिखेंगे, तो हम बोल लेते हैं शेयर कैपिटल, वही मतलब ऑनर का ही कॉन्ट्रीब्यूशन। लोन रेज हो गया, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड एसेट्स को हमने परचेज किया, इट्स ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर जो पैसे हैं दैट इज ए कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको माना था उससे कोई रिकवरी होगा तो कैपिटल रिसीट्स होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो इसको कहा था कि ट्रीटेड एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, तो माफ कर दो मैंने वहां पे थोड़ा जोश में बात कर दिया, नॉट ओनली लायबिलिटी साइड, ट्रीटेड एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट और डिडक्टेड डिडक्टेड फ्रॉम फ्रॉम एसेट, या एसेट ना करके मैं कह दूं फिक्स्ड एसेट इन बैलेंस शीट, है ना। तो कैपिटल रिसीट्स आपका जो निकल गया, लाइफ मेंबरशिप फीस पूरे लाइफ का पेमेंट एक बार ही आ गया, नॉन रिकरिंग रिसीट्स होते हैं, लेगेसी कोई मर गया और उसने क्या किया एक विल बना के आपको दे दिया, नॉन रिकरिंग होता है, लाइफ में एक ही बार मरेगा वो, गवर्नमेंट ग्रांट किसी खास पर्पस के लिए मिलेगा कैपिटल है, डोनेशन किसी खास पर्पस के लिए कैपिटल, ये एनपीओ चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा। थ्योरी जब भी पढ़ाता हूँ तो दिक्कतें थोड़ी आ सकती है क्योंकि कई बातें कई चैप्टर में जाएगा, पूरा अकाउंटेंसी है ना, इसलिए फिर परेशान नहीं होना। अच्छा, नाउ आगे बढ़ते हम लोग। कहता है कि रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू प्रॉफिट है इनकम, इनकम क्या होता है, तो मेरे बच्चे रेवेन्यू रिसीट्स में रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू नेचर के जो आपका इनकम और एक्सपेंस होते हैं, समझो रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट इनकम, एंड इनकम और प्रॉफिट डिराइव बाय कैरिंग ऑन अ बिजनेस ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है ना बच्चे, वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, समझ मेरी बात, मतलब आपने एक साल में जो आपके इनकम हुए और एक साल में जो आपके एक्सपेंसेज हुए, तो इनकम में रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस करके जो प्रॉफिट निकालते हो ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, एक तो कैपिटल प्रॉफिट आपके फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ है, कैपिटल नेचर आपका फिक्स्ड से, या फिर आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना बातें जितनी समझाऊंगा ना बहुत ज़्यादा है, मतलब फिर भी मुझे समझाना थोड़ा फर्ज बनता है। आप एक काम करेंगे, एक रजिस्टर में मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे और कैपिटल जो आपके घाटे फायदे उनको समझने के लिए, एक्चुअली ये लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट, आप लिखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू इनकम, तो आप जानते हैं कि भैया इनकम माइनस एक्सपेंस आपका, ये ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूँ, लिखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ, शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर मान लो कोई फिक्स एसेट्स बेच रहे हैं और उस पे जो फायदे घाटे हो रहे हैं, वो फायदे घाटे हमारे रेवेन्यू कहे जाएंगे या कैपिटल कहे जाएंगे या क्या कहा जाएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पता मैं क्या करूँगा इस बात को समझाने के लिए, एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है, मैं एक डायग्राम आपको बताऊंगा। ये हमारा जीरो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये डायग्राम मेरे साथ साथ बनाएंगे। ये मैंने लिखा जी हमारे फिक्स्ड एसेट्स का बुक वैल्यू, बुक वैल्यू,
और ये मैंने यहां पे एक बनाया, ये आपका एसेट्स का हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब कि कॉस्ट प्राइस जितना भी था, मतलब जितने में आपने एसेट्स परचेज किया था, उसमें डेप्रिसिएशन टिल डेट, आज तक जितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया उसको माइनस करने के बाद का वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द बुक वैल्यू, है ना, बुक में जितनी वैल्यू उसकी पड़ी हुई है। अब मैं यहां पे इस पे दिखाता हूं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, कई तरीके के केसेस बताऊंगा। मेरे बच्चे मान लो जो बुक वैल्यू है ना वो 5 लाख बता रहा है, 5 लाख, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कहता है मान लो आपका 6 लाख है ना, एज्यूम क्या वो फिगर है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं कुछ केसेज दिखा रहा हूं, ये देखो आप, एक हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स ए जो कि 4,20,000 में बिक गया, सेल हो गया फिक्स्ड ए 420 में। सेकेंड केस है आपका बी एसेट से कोई फिक्स्ड, जो बी का है आपका मान लो 6,50,000 में, ओ सॉरी 5 लाख, 5 था ना बुक वैल्यू, 5,80,000, 5,80,000 या 5,70 कर दो, कोई फिगर मैच ना करे और कोई खास रीजन नहीं है, कुछ भी ले सकता था मैं यहाँ पे। और एक एसेट सी है जो बी का है, यहाँ पे आपका कितना बोलूँ मैं, आपका 6 लाख ऊपर मान लो 8 लाख रुपीज में, तीन पॉसिबिलिटी है ना। मुझे आपको बताना है क्या मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स पे जो प्रॉफिट है, एग्जाम में आ गया कि बताओ जी कैपिटल प्रॉफिट कितना है फिक्स्ड एसेट्स पे, तो कैसे निकालेंगे वो तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो आप जरा बताओ, एसेट ए की बुक में वैल्यू कितनी थी? 5 लाख, 5 लाख रुपए ये बुक में दिख रहा था, है ना बच्चे। नाउ 5 लाख के एसेट को आपने कितने में बेच दिया? 4,20,000 में। तो 5 लाख का एसेट अगर 420 में बिक गया तो आपको यहां पे एक लॉस हो रहा है, और ये लॉस कितने का हो रहा है? 80,000 का। ये जो 80,000 का आपको लॉस हो रहा है ना, इस 80,000 के लॉस को हम कहते हैं कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस, समझ में नहीं बात। अगर कोई फिक्स सेट्स आप बेचते हो तो जितनी उसकी बुक में वैल्यू है अगर उससे कम पे बिका, इट्स योर कैपिटल लॉस, इट्स योर कैपिटल लॉस, है ना, ये कैपिटल लॉस हो जाएगा। एसेट बी को देखते हैं, इसकी बुक में वैल्यू कितने की थी? 5 लाख, बेचा कितने में? 570, तो फायदा हुआ। हमेशा फायदा घाटा वी कंपेयर फ्रॉम द बुक वैल्यू। 5 लाख रुपीज के एसेट को अगर 570 में बेचा तो ये जो आपका 70,000 का आपको फायदा हुआ ना, ज्यादा बिका ना बच्चे, ये 70,000 कहते हैं इट्स योर रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, ध्यान रखना इसको, कैपिटल प्रॉफिट नहीं, हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट। अगर सेल प्राइस एक्सीडेड बुक वैल्यू बट दैट रिमेन्स अप टू और लोअर देन कॉस्ट प्राइस, देन द डिफरेंस फ्रॉम दिस बुक वैल्यू इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है मेरे बच्चे, और सुनो ना मेरी बात ध्यान से। यहां पे एसेट सी बुक में कितने का था? 5 लाख का, तो 5 लाख के सामान को आपने 8 लाख में बेच दिया, कहते हैं कि भैया ये 5 लाख से ऊपर और टिल आपका ये कॉस्ट प्राइस, मतलब ये जो 1 लाख रुपीज का आपको फायदा हुआ, टोटल फायदा हमारे हमें कितने का हुआ था? टोटल फायदा 3 लाख का था, 1 लाख ये और आपका 2 लाख ये, टोटल 3 लाख हो ना, हमेशा घाटा फायदा बुक वैल्यू से कंपेयर करते मेरे बच्चे। तो जो चीज आपका 5 लाख का था 8 में बिका, 3 लाख का फायदा हुआ, इसमें जो ये 1 लाख का फायदा है ना, ये हम रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि जब भी प्रॉफिट आपका अप टू कॉस्ट प्राइस वाला होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा मेरे बच्चे। जो कॉस्ट को भी एक्सीड कर गया, मतलब कॉस्ट जितना था उससे ज्यादा पे बिका, तो ये 2 लाख जो होगा हम इसे कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, यही कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर का एग्जाम में आ सकता है कि भैया राइट ए शॉर्ट नोट्स, जरा बताओ कि फिक्स्ड पे क्या घाटा फायदा का, तो हम कुछ भी इसको डायग्राम से बताना बहुत फायदेमंद रहेगा। ये डायग्राम एग्जाम में बना देंगे, आप कोई भी फिगर ले सकते हो, आपकी मर्जी है, 3 केसेज में कर देना। तो आपको अगर क्वेश्चन मान लो 5 नंबर का होगा तो 8-9 भी मिल सकता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, किसी बच्चों को पता ही नहीं होता,
समझो मेरी बात ना, तो ये बात आप प्लीज कॉपी कर लीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए। जब भी आपका बुक वैल्यू से कम पे बिकेगा, जितने कम पे बिकेगा वो कैपिटल लॉस होगा। बुक वैल्यू से ऊपर और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो आपका होगा वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, एंड कॉस्ट से भी एक्सीड कर जाए तो हमारा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, मैं चाहता हूँ ना, मैं इसको एक बार आपको एक दो क्वेश्चन करा दूँ, आप लिख लो। अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूँ ना, तब तक दोनों का टाइम बच जाएगा। ये लो, इसको मैं हटा दूं। तब तक आप लिख लो वहां फटाफट जल्दी से, ताकि हम दोनों का टाइम बचे, और मेरे मिटाने के बाद भी अगर अभी तक आप स्लोली लिख रहे हो तब मैं नहीं रुकने वाला। आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके लिख लो और फिर आगे प्रोसीड करो मेरे साथ, ठीक है ना? लिखिए फटाफट जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक एग्जांपल लिखो यहाँ पे समझने के लिए, एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वन कहता है कि बुक वैल्यू, साथ साथ लिखना है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू कहता है कि 3 लाख रुपीज है। कहता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की जो कॉस्ट है वो कहता है कि 4,50,000 है, और कहता है कि मशीन मशीन सोल्ड फॉर रुपीज 3,60,000। कैलकुलेट, आपको बोलता है कि कैलकुलेट करो, नंबर वन रेवेन्यू प्रॉफिट आपको बताना है यहां पे, और नंबर टू आपको बताना है कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड दूसरा कैपिटल प्रॉफिट। तो मेरे बच्चे अगर मैं यहां पे देखूं तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, 450, ये आपका 450 आ गया, ये तो काम करना है। उसकी बुक वैल्यू कितना बता रहा है, 3 लैक्स, ये 3 लैक्स हो गया। बेचा कितने में हमने, 360 में, तो हमने 360 यानी कि इतने में बेच दिया। तो यहां तो जो भी प्रॉफिट हुआ ये सारा का सारा यानी कि 60,000 रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ। अरे कैपिटल प्रॉफिट तब होता है जब इसको एक्सीड करे, तो रेवेन्यू प्रॉफिट में आंसर आपका आ गया 60,000, कैपिटल प्रॉफिट आपका नील है। एग्जाम्पल नंबर टू कहता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन, समझे ना इस बात को मैंने क्या बताया, बोलो ना, हाँ बोलो तो कम से कम एक बार। कॉस्ट ऑफ मशीन कहता है कि 7 लैक्स है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या तो ये कह दे या कह दे वो एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कुछ भी कह दे, इन दोनों का मतलब, अगर आपने अभी तक डेप्रिसिएशन मुझसे नहीं पढ़ा है तो इन दोनों का मतलब है कि डेप्रिसिएशन टिल डेट, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है जी, इट मीन्स डेप्रिसिएशन टिल डेट, आज तक जब से परचेज किया था तब से लेकर आज तक 3,60,000 का मान लो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इन दोनों का मतलब सेम होता है, डेप्रिसिएशन टिल डेट। और कहता है कि इस मशीन को सोल्ड फॉर रुपीज 9,50,000 में हमने बेच दिया। बोलता है कि कैलकुलेट, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या जी, नंबर वन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड दूसरा कैपिटल प्रॉफिट, ये दो निकालने। तो मेरे बच्चे फिर से वही बात, जब भी ऐसी बात है तो मैं डायग्राम पे आ जाऊंगा, दिमाग में लेकर आऊंगा। मेरे पास कॉस्ट कहता है कि 7 लैक्स है, और जरा बताओ बुक वैल्यू कितना, तो 7 लैक्स में 360 आज तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसको माइनस करके 340 का अमाउंट है ना, आज तक का डेप्रिसिएशन चार्ज को माइनस करके हम निकालते हैं आपका क्या बुक वैल्यू, और हमने बेचा कितने में, 950 में, लो 950 यहाँ। तो मेरे बच्चे 340 से लेकर आपका यहाँ पे 7 यानी कि 360 हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट
है ना, बुक वैल्यू से ऊपर अप टू द कॉस्ट प्राइस की रिकवरी रेवेन्यू, और 7 से ऊपर यानी कि 250 का जो अमाउंट है वो 250 हमारा क्या हो गया, इट्स योर कैपिटल प्रॉफिट, दैट्स इट। एग्जामिनर इससे ज्यादा क्या पूछेगा, क्या पूछेगा। हाँ ठीक है, अब बस हो गया, अब वहां क्या करूं मैं, अब आ जाओ बुक के अंदर में, बुक के अंदर आइए। अगला रेवेन्यू लॉस क्या होता है, तो रेवेन्यू लॉस तो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में होता है। अगर रेवेन्यू जो इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंस नेगेटिव में आ गया तो लॉस हो गया, रेवेन्यू लॉस। और कैपिटल लॉस क्या होता है जी, लॉस सफर्ड बाय कंपनी ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल, मैंने बता ही दिया। नाउ विल कम टू अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग यूज करना है कि आखिर क्या होगा। नाउ यू नो एवरीथिंग, एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन इसी के आगे, कैपिटल लॉस के बाद क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहता है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री है वो फैक्ट्री 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 ठीक है ना, फैक्ट्री। तो वो क्या है भैया, अगर फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आपने कोई लाइसेंस लिया, इट्स ए लीगल एक्सपेंस, कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है, ठीक है ना। अच्छा आगे, 2000 स्पेंट एज लॉयर फी फॉर डिफेंड अ सूट, मतलब कोई केस आपके ऊपर हुआ, क्लेमिंग दैट फॉर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द प्लेंटिफ, द सूट वॉज नॉट सक्सेसफुल। कहता है कि ये देखो मैं तो आपको बता दूं कि भैया अगर आप रूटीन में कोई आप कोई फिक्सेस आपका है, किसी ने केस कर दिया कि भैया ये मेरा है, आप केस लड़ रहे हो, कुछ खर्चे हो रहे हैं, रूटीन के खर्चे हैं, ये इस खर्चे ऐसा नहीं कि आपके सेट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो रेवेन्यू नेचर का है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे में दिया, पढ़ लेंगे पूरा, मैंने समझाने वाला। थर्ड में कहता है कि 12,000 इंटरेस्ट हैड एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर ऑन लोन ऑब्टेंड एंड यूटिलाइज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ मशीनरी, हाउएवर द प्रोडक्शन हैड नॉट कमेंस टिल डेट। तो अगर प्रोडक्शन कमेंस नहीं हुआ, यानी कि एसेट जो आप बना रहे हो उसका पुट्टी हुई अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके पहले के सारे खर्चे जो इंटरेस्ट पे होता है हम कैपिटलाइज करते हैं, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं, आप उसको कैपिटलाइज करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, लिखना कैसे नीचे पढ़ लेना। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोर एग्जिट इन ए सिनेमा हॉल। अगर आपका कोई सिनेमा हॉल है और उसमें आपने क्या किया जी, कई सारे एग्जिट बना दिए, तो एग्जिट मतलब निकलने का रास्ता, इससे क्या कोई आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा क्या सिनेमा हॉल में, क्या फिर बहुत सारे लोग बैठने शुरू हो जाएंगे क्या, मूविया 100 चलने शुरू हो जाएंगे क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सब रूटीन खर्चे होते हैं। सिक्स में आप आइए, कहता है कि इंटरेस्ट ऑन अरियर्स ऑफ सेल्स टैक्स, ये तो कोई इंटरेस्ट जो पे किया आपने, सॉरी फाइव नंबर, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एक्सपोर्ट राइट, राइट लेना, कोई अधिकार, कोई लाइसेंस लेना, इस पे जो खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये लाइसेंस से आप कई साल तक बिजनेस करोगे, कैपिटल मानेंगे। कहता है आगे, व्हेन द पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट, कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, चाहे किसी तरीके से हम कैपिटलाइज करेंगे। अगला इंटरेस्ट ऑन अरियर ऑफ सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स बकाया था आपने पे नहीं किया था, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लगा दिया, इससे कोई एफिशिएंसी थोड़ी बढ़नी है आपकी, रेवेन्यू है, एक्सपेंस मानेंगे। और कहता है सेवेंथ में, लॉस ड्यू टू डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ऑन लोन टेकन, लोन कोई लिया था फॉरेन करेंसी में और करेंसी डीवैल्यूएट, मतलब करेंसी की वैल्यू गिर गई, जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है तो आपको ज्यादा पे करना होता है, तो आपने लोन जो इस सब लिया था इस पे, ये तो सब रेवेन्यू है मेरे बच्चे, इससे एफिशिएंसी का मुझे कोई मतलब ही समझ में नहीं आता, तो आपका ये सब रेवेन्यू माने जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन पे आप आ जाइए, यहाँ पे फिर से आपसे वही पूछ रहा है, जरा बताओ जी। कहता है कि अमाउंट रियलाइज फ्रॉम ओल्ड फर्नीचर, अगर आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा तो जब फर्नीचर परचेज किया था इट वॉज कैपिटल रिसीट्स, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे पैसा आया तो कैपिटल रिसीट्स हो गया। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ए डेटर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ, एक डेटर जिसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था और उससे पैसा रिसीव हुआ, इट्स ए रेवेन्यू रिसीट्स मेरे बच्चे। डेटर्स कहाँ से क्रिएट होते हैं, सेल्स से, सेल्स को हम क्या मानते हैं रेवेन्यू, तो रेवेन्यू है, इसको इसे कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़नी आपकी, ठीक है ना। कहता है थर्ड सी में, अमाउंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया कैपिटल रिसीट्स है, फिर आपका
डी में फीस रिसीव फ्रॉम अप्रेंटिस, जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं उनसे कुछ फीस रिसीव किया, रेवेन्यू है, बिजनेस में होते रहता है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स अगेंस्ट डेट्स, रेवेन्यू है, डेटर्स हमारे फिक्स्ड नहीं है, फिक्स सेट से कुछ पैसा रिसीव करो तो कैपिटल रिसीट्स होता है। ये तो वो एसेट्स है जो ऑपरेशन में क्रिएट होते हैं। तो गुड्स बेचा वो रेवेन्यू होता है, उस समय पैसा नहीं मिला था, अब पैसा मिला तो रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाएगा। समझो मेरी बात ना। एफ में आइए, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर, ऑब्वियस बात है आपका कैपिटल रिसीट्स है। अगला 10,000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीन विच एट कॉस्ट आपका 6,000, 6,000 का मशीन हमने 10,000 में बेचा, कौन सा ये प्रॉफिट सब नहीं पूछ रहा, रिसीट्स पूछ रहा है। तो एसेट्स पे रिसीव किया, कैपिटल रिसीट्स है ना, कोई झगड़ा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम आते हैं, देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। प्रैक्टिस सेशन वन के अंदर में आइए, और आप मुझे लगता है कि मैं ना पढ़ाऊँ तो भी आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आओ ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, प्रैक्टिस सेशन वन में क्या। नंबर वन, एन एक्सप्लेनेशन इज कैपिटल इन नेचर व्हेन, कब कैपिटल नेचर होगा, पढ़े एक बार क्या, द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड। ध्यान से कहता है कि जो रिसीवर है, मतलब जिसने पैसा रिसीव किया है, वो इसको यूज करेगा किसके लिए जी, आपका फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए। तो कहां गया क्वेश्चन, एक एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा, वो रिसीवर किस पर्पस के लिए यूज करेगा, इससे तो क्लासिफिकेशन नहीं होता ना। अगर आपने यूज कर लिया होता कि भैया हमने मशीन परचेज कर लिया, तो बात समझ में आती है। आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो, अगला, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड, हाँ ये ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की क्वांटिटी को तब बढ़ाएगा, बढ़ाने का मतलब कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ना बच्चे, ये ठीक है। तीसरा, इट इज पेड फॉर इंटरेस्ट ना। चौथा, इट इज इनकर्ड टू मेंटेन ना, मेंटेन थोड़े ही आपका, अगर एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करते तो मैं कैपिटलाइज करता, तो बी मुझे ठीक लगता है। क्वेश्चन नंबर टू, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड, नहीं बताऊंगा, बैलेंस शीट में आपको पता है, नंबर ए में टिक मार कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ द कैपिटल नेचर, कौन सा ट्रांजेक्शन है जो कैपिटल नेचर का, परचेज ऑफ ट्रक यही तो है कैपिटल नेचर का, रिपेयर थोड़े कुछ होता है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ट्रक थोड़ा ही होगा, एक ही चीज बार बार करता है, और नहीं, सिर्फ ए नंबर ठीक लगता है मुझे। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, कहता है कि 5,000 इनकर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ए कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB रैम, ये तो आपने कंप्यूटर का मेरे बच्चे एफिशिएंसी को आपने बढ़ाया है, तो अगर कंप्यूटर का एफिशिएंसी बढ़ेगा क्योंकि रैम की कैपेसिटी बढ़ा दिया, वर्किंग फास्ट होगा, तो ये तो हम कैपिटल नेचर का बोलेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, कंप्यूटर के कॉस्ट में ऐड कर देना और उस पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पांचवा, एंट्रेंस फीस क्लब रिसीव करता है, मतलब जो मेंबर से चार्जेस लेता है, रेवेन्यू आपका उसका तो रूटीन है जी, रेवेन्यू रिसीट्स लिख देना, क्योंकि दो ऑप्शन, रेवेन्यू रिसीट्स भी है और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, तो रिसीट से पैसा आया, ध्यान रखना, डी मत लिख देना, बी होगा। सिक्स क्वेश्चन में, लाइफ मेंबरशिप, पूरे लाइफ का पेमेंट एक ही बार दे दिया, नॉन रिकरिंग होता है ये, आपका रेवेन्यू सॉरी कैपिटल रिसीट्स होगा, और ये एनपीओ चैप्टर है, जब पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, वहां समझाया है मैंने। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, रेवेन्यू है आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल जब रेवेन्यू है तो उस पर कोई टैक्स पे किया, वो भी रेवेन्यू ही तो होगा, एट का ए हो गया। नाइन्थ का कहता है, रिसीव फ्रॉम सोलोमन एंड कंपनी एन इनवॉइस फॉर 1500 फॉर रिपेयर टू फैक्ट्री वॉल, फैक्ट्री वॉल का रिपेयरिंग कराया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एफिशिएंसी थोड़े कोई बढ़ने वाला है। ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एक्सपेंडिचर आर शोन इन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। 12th में, बैड डेट्स रिकवर ड्यूरिंग द ईयर, रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स एक्सपेंडिचर मत कर देना, रिकवरी हो रहा है, डी में टिक मार्क करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, कुछ बच्चे क्या होता है ना कि फटाफट बोलते हैं यार रेवेन्यू देखा वहीं टिक मार्क करो, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर चेक ही नहीं करते, बदमाश बच्चे होते हैं, आप नहीं होते, आप तो अच्छे बच्चे हो, मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूँ। 13th में कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीन डैमेज, कैपिटल रिसीट्स है, मशीन पे कोई क्लेम रिसीव किया, कैपिटल रिसीट्स यानी कि आपका ए हो गया है ना, फिक्स्ड्स पे कुछ भी आएगा कैपिटल रिसीट्स। 14th क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ 5000 स्पेंट एज लॉयर फी टू डिफेंड ए सूट क्लेमिंग दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग, ये तो रेवेन्यू है यार बिजनेस में। मनी स्पेंट 10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस
ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए आपने कोई ट्रिप किया, उस पर कुछ खर्चे हुए हैं, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि एसेट्स को परचेज करने के पहले का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ए में टिक मार्क करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे है तो आपका कैपिटल हो गया, कैपिटल आपका रिसीट्स। अगर गुड्स पे होता तो रेवेन्यू होता। एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन रेवेन्यू कम मानते हैं, इट्स बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। करेक्ट, अब इसके आगे पढ़ने कोई फायदा नहीं है, यही ठीक है। 19 में कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। एंड 20 में कहता है कि अमाउंट स्पेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री का डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, सी में टिक मार्क करेंगे। ना जब बात उठी है तो आओ ना हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन 2 भी खत्म कर लेते हैं। क्या जाता है ये, तो मतलब छोटी छोटी बातें हैं। अब तो आप बहुत स्ट्रांग होते चले गए हैं, मैं पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ, मैं कुछ भी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एनीवे आइए, कहते हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एज कैपिटल और रेवेन्यू। मनी स्पेंट 10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर पेड फॉर, सेम चीज जो ऊपर देखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अमाउंट ऑफ 5,000 फिर वही, मतलब देखो क्वेश्चन कुछ नया थोड़े होगा, फिगर चेंज करके बदमाश रिपीट कर दे रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा जी, रेवेन्यू होगा है ना। एडमिशन फीस फॉर 2,000 रिसीव बाय राम श्याम क्लब, एडमिशन फी एंट्रेंस फी होता है, रेवेन्यू रिसीट्स हो गया। फोर्थ में सब्सिडी 40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। देखो ये सब्सिडी जो आपने रिसीव किया ना, यहाँ पे कहीं बता रहा है क्या कि किस नेचर का, किस काम के लिए मिला आपको? नहीं सर, तो फिर आपका रेवेन्यू है। कहाँ चला गया रेवेन्यू, पता है क्यों? ये गवर्नमेंट आपको कुछ दान दे दी, सब्सिडी मतलब कुछ दान दे दी कि चलो कोई बात नहीं जी, बिजनेस ठीक से चलाओ, तो हम रेवेन्यू मानते हैं उसको, है ना, वो इनकम हमारे लिए हो जाता है। इंश्योरेंस इसका ना बहुत रीजन आ गया एक्चुअली, पता है जहाँ कुछ लाइटली ले रहा हूँ ना, यानी कि वो कॉन्सेप्ट अभी आगे क्या है, आप छोटे बच्चे भी उसके लिए बस उतना उनको रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव मशीन कैपिटल है, नहीं पढ़ूंगा आगे। इंटरेस्ट रिसीव रिसीव रेवेन्यू रिसीट से, अगर हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को मतलब किसी एसेट को बेचते हैं तो कैपिटल रिसीट्स होगा। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एसेट था, लेकिन उसको बेचा नहीं, उससे कुछ कमाया, हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे कुछ इंटरेस्ट कमा लिया, तो रेवेन्यू है, वो तो इनकम है जी हमारा, रेवेन्यू रिसीट्स। अगला है अमाउंट रिसीव फ्रॉम IDBI एज ए मीडियम टर्म लोन, लोन लिया तो कैपिटल रिसीट्स है। बैडर्स रिकवर्ड रेवेन्यू रिसीट्स है। क्वेश्चन नंबर 2, अ सेकंड हैंड कार परचेज 10,000 का, 1,000 रुपये रिपेयरिंग पे खर्च किया, 500 रुपया इनकर्ड किया टू गेट द कार रजिस्टर्ड इन ओनर नेम एंड 1,200 इज पेड एज डीलर कमीशन। सारे खर्चे बिफोर पुट टू यूज है, सबको ऐड कर लेना, जो अमाउंट बनेगा वही आप उसका एसेट्स मानेंगे। 11,500 कितना हो जाएगा, 12,700, डी ऑप्शन ठीक है। 3 क्वेश्चन, इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000, वाइट वॉश कॉस्ट इज 5,000, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग 250 एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम 19,000, अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड, जो आप यहाँ पे एक्सपेंस दिखाएंगे वो कितना आपका होगा। तो देखो एक्सपेंस मतलब क्या, जो हम प्रॉफिट लॉस में दिखाना चाहते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे कहता है दोबारा कि रिपेयरिंग कॉस्ट, देखो यहाँ पे कहीं नहीं बता रहा कि आपने सेकेंड हैंड कोई सामान परचेज किया, कहता है कि एक बिल्डिंग है आपके पास और उस बिल्डिंग पे आप कुछ खर्च करो उसका रिपेयरिंग पे, तो रेवेन्यू होता है, व्हाइट वॉश करा दिया रेवेन्यू होता है, तो 25 + 5 = 30 हो गया। बिल्डिंग एक्सटेंड किया, कुछ और फ्लोर बनाया, ये तो कैपिटल होता है, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम का इम्प्रूवमेंट करना, एफिशिएंसी बढ़ेगा, ये भी कैपिटल करते हैं, है ना। वायरिंग सिस्टम आपने पूरा चेंज करा दिया, तो अब जो वायरिंग चेंजिंग जो खराब था नया, वो तो कई साल तक अब काम करेगा, अच्छा बेनिफिट देगा 3-4 साल तक, तो एक्सपेंस यहाँ पे 30,000, मतलब जिसका बेनिफिट करंट ईयर तक में लिमिट होगा ना वही एक्सपेंस मानते हैं, 30,000 में टिक मार्क कर देना सी में। ये जो वायरिंग खर्च होता है बच्चे, वायरिंग 10-10, 15-15 साल तक चलते हैं, पता आपको ना, अगर आपने यहाँ पे लाइटिंग जो हमने की हुई है, कैमरे हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो इन सबकी वायरिंग होती है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कैपिटलाइज करेंगे उसको। अगला फोर्थ में कहता है 1,200 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ मशीन, रेवेन्यू है, रिपेयरिंग कराया। अगला है 25 स्पेंट ऑन ओवरऑल ऑफ मशीन परचेज सेकेंड हैंड, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। व्हाइट वॉश रेवेन्यू है।
पर पेपर परचेज फॉर यूज एज ए स्टेशनरी रेवेन्यू है ना। एट क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट कंपनी टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट डिफर्ड रेवेन्यू है, लॉन्च करने के लिए डिफर्ड। अगर सिर्फ कहता है एडवर्टीजमेंट तो हम बोलते हैं कि रेवेन्यू है आपका, खत्म हो गई बात, बात खत्म हो गई। क्या करूं मैं बताओ, इसमें क्या पढ़ाने को था? क्या मेरे बच्चों को पहले से नहीं पता था ये सब बातें? क्या चलो कोई बात नहीं, हमने ये भी सीख लिया और हमने बहुत सारी मस्ती की इस चैप्टर के अंदर में। मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बार बार आपको, अभी जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ोगे, कोई कॉन्सेप्ट कई जगह आएगा, कई जगह हम चीजें देखेंगे, नई नई चीजें आएंगी जो अभी तक हमने नहीं समझा है, कई चीजें ऐसी आएंगी जो इस चैप्टर में हमने पढ़ाया लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आई, ऐसे कुछ रहा नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिसका यूज आगे से, जैसे मैं जहाँ पे बोलता था कि आगे सीखेंगे हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में, एनपीओ में, तो वहाँ पे आएंगे और आप और स्ट्रांग होंगे। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, मस्ती करें, जितना मस्ती करना है इंजॉय कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं इसके आगे बढ़ने के लिए। बाय बाय बच्चों, बाय बाय टाटा, थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज वंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ सीए सिंस क्लास 11 एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय सीएमए इंटरमीडिएट फ्रॉम सीएसई एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द सीएमए फाइनल। मैंने YouTube पर पहली बार मित्र सर के क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर ओवर अ कंटेंट। थैंक्स टू COC माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।